हेलो एवरीवन। तो चैप्टर नंबर थर्ड ही बेटा आज अपने को कंटिन्यू करना है। आज का पहली बात तो कवरेज क्या रहेगा। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगभग ना के बराबर है अपने पास। सिर्फ एक केस स्टडी है जिसमें बहुत कम न्यूमेरिकल पार्ट है, बाकी पूरा एनालिटिकल और केस स्टडी वाला पार्ट है। ये डेडिकेटेड रहेगा टूवर्ड्स केस स्टडी, तीन टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है आपका टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सेकेंड टॉपिक आज अपन कवर करेंगे दो केस स्टडीज रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा। और सबसे स्पेशल आज का लेक्चर का अगर कोई आउटपुट निकलेगा तो निकलेगा बीपीआर का, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट का फीडबैक मिलता है वो जनरली मिलता है कि जो बीपीआर वाला टॉपिक है वो उतना इजीली बच्चों को कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करता है। तो कोशिश करेंगे उसको बहुत सिंपलीफाई करने की। साथ में जो उससे रिलेटेड दो केस स्टडीज है, एक केस सिनारियो है, दूसरा केस स्टडी है। जो पर्टिकुलरली जो केस स्टडी है वो अपने आप में बहुत सुपरबली ड्राफ्टेड केस स्टडीज है। तो टोटल आज अपन पांच केस स्टडीज कवर करेंगे। ये सभी केस स्टडीज आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल की है। कुछ केस स्टडीज आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम नंबर वन में मिलेगी इन द चैप्टर नंबर थर्ड, और कुछ एक केस स्टडीज आपको वॉल्यूम नंबर थर्ड में मिलेगी जो अलग से केस स्टडीज का एक वॉल्यूम आईसीआई ने इश्यू किया है। मैंने नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है नोट्स। आज के जो केस स्टडी सेशन है आज अपन कवर करेंगे उस पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा वो अपलोडेड, उससे रिलेटेड केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आज अपने को यहाँ पे कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। कल अपन ने ऑल्दो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कल अपन ने सिर्फ इसका एक पार्ट दिखा था, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कि अगर मुझे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है अंडर टीपीएम तो उसके लिए मेरे पास एक ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट है एंड दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब केस स्टडी के लिए पहले मुझे थोड़ा बेसिक आपको रिवाइज कराना पड़ेगा टीपीएम का, उसी के बाद अपन फिर वो केस स्टडीज में जा सकते हैं। आइए बेटा पेज नंबर स्टडी मटेरियल का 22, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 22। मिला आपको? चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस ऑफ मशीन है वो तो सालों से हो रहा है बेटा, कोई नया पॉइंट तो है नहीं। जब से मैकेनाइजेशन है तब से मशीन का मेंटेनेंस हो रहा है, तो फिर ये टॉपिक आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या अलग बताता है। जनरली अगर अपन इस टॉपिक के बियॉन्ड बात करें तो जो मेंटेनेंस होता है वो रिएक्टिव होता है, मतलब कुछ इवेंट हो जाती है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब जाके हम उस मशीन को रिपेयर कराते हैं, मतलब हम रिएक्टिव होते हैं। वेरी लॉजिकल है बेटा, आप अपना टू व्हीलर और फोर व्हीलर इमेजिन कीजिए। क्या मुझे नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिलेंगे जो जब प्रॉब्लम आती है अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में तभी अपन उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तभी ऑथराइज सर्विस सेंटर ले जाते हैं। जनरली बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हाफ ईयरली इंजन ऑयल चेंज कराते होंगे या और भी उसको सर्विसिंग कराते होंगे। हम भी उसी कैटेगरी में है कि जब तक मशीन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अपने व्हीकल में प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो सर्विस सेंटर में जाए। तो आप और मैं जो अपने गाड़ी को मेंटेन करते हैं वो रिएक्टिव बेसिस पर करते हैं, मतलब मशीन में अपने व्हीकल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन जाते हैं। जबकि टीपीएम जो कंसेप्ट है ये बोलता है अगर आपको क्वालिटी आउटपुट चाहिए, आपको अपना आउटपुट विद वेस्ट मिनिमाइजेशन चाहिए, तो आपको अब रिएक्टिव अप्रोच से निकलकर प्रोएक्टिव अप्रोच में जाना पड़ेगा, मतलब रेगुलर इंटरवल पर आपको अपनी मशीन को मेंटेन करना है। ये सबसे पहला पॉइंट टीपीएम का। नॉर्मली मेंटेनेंस रिएक्टिव होता है, जब प्रॉब्लम आती है तब हम उस पे ध्यान देते हैं, जबकि टीपीएम बोलता है यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव, शेड्यूल मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मशीन की लाइफ भी मेंटेन कर पाएंगे और क्वालिटी आउटपुट भी दे पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड, नॉर्मली जब भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वो मेंटेनेंस का वर्क होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, जबकि टीपीएम बोलता है अनडाउटेडली जो टेक्निकल मेंटेनेंस है दैट विल बी डन बाय द मेंटेनेंस स्टाफ, नो डाउट अबाउट दैट।
लेकिन जो डे टू डे रूटीन के मेंटेनेंस है, दैट शुड बी डन बाय द मशीन ऑपरेटर इटसेल्फ। सेम आपने जीआईटी में भी पढ़ा था कि हमें वर्कर को एक लिमिटेड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसी को कंटिन्यू करता है टीपीएम कंसेप्ट कि मेंटेनेंस इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ऑल्दो टेक्निकल मेंटेनेंस विल बी डन बाय द एक्सपर्ट दैट इज मेंटेनेंस वर्कर, बट द डे टू डे रूटीन मेंटेनेंस विल हैव टू बी डन बाय द मशीन ऑपरेटर इटसेल्फ। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, ये प्रोएक्टिव है रादर देन रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला मेंटेनेंस अब एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वर्क नहीं है, मेंटेनेंस सभी मिलजुल के करते हैं, जो टेक्निकल मेंटेनेंस है दैट विल बी डन बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, इस मेंटेनेंस में आप अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी हेल्थ का भी ध्यान रखते हो। बिना एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ के अगर आप अपनी मशीन ऑपरेट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल एम्प्लॉय के मन में डर रहेगा कि अगर मैं इस मशीन को ऑपरेट कर रहा हूं कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी ना वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। जबकि टीपीएम इक्वली फोकस करता है जो बंदे मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ के टूवर्ड। तो वापस से आप बेटा मुझे तीनों पॉइंट रिवाइव कराइए। पहला पॉइंट, ये प्रोएक्टिव है रादर देन रिएक्टिव है। सेकेंड बोलिए, मेंटेनेंस का डे टू डे रूटीन का वर्क हमारा मशीन ऑपरेटर करेगा। एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला, यहां पे एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाता है जब भी मेंटेनेंस प्रोग्राम डिफाइन होता है। बढ़ू आगे, चलिए अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। कोई आपसे पूछे ठीक है भाई आपने हमें बता दिया कि टीपीएम क्या होता है, अल्टीमेटली हम इससे अचीव क्या करेंगे, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 22 में। टीपीएम हमें मदद करता है टू कीप द इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन सो एज टू अवॉइड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है चलते चलते अचानक मशीन का बंद हो जाना एंड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिले होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन अफेक्ट होगा, तो टॉप वर्किंग कंडीशन में हमारी मशीन को मेंटेन करता है ताकि ब्रेकडाउन के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हो जाए और कभी भी मशीन के कारण हम अपने कस्टमर को डिले ना करें उसके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। बढ़ू आगे, अब टीपीएम जो है ये 8 पिलर्स पर वर्क करता है, टोटल 8 पिलर्स है। इसके शुरुआत के अगर आप 3 पिलर्स देखेंगे तो द 3 पिलर्स आर रिलेटेड विथ मेंटेनेंस। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसका, व्हाट आर द 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम। तो सबसे पहले 3 पिलर्स जो है, हो सकता है आपके स्टडी मेट में बेटा इसको आगे पीछे दिया हो। सबसे पहला है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, सेकेंड है प्लांट मेंटेनेंस एंड थर्ड है आपका क्वालिटी मेंटेनेंस। टोटल 8 पिलर्स में से 3 पिलर्स मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मतलब अगर ये 8 पिलर्स आप अप्लाई करते हो, इनकी थॉट प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही आप बोल सकते हो हमने टीपीएम से सक्सेसफुली रिजल्ट अचीव किया है। तभी आपका जो कल अपन ने पढ़ा था यस्टरडे OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, तभी आपका बेटा यहां पर इंप्रूव होगा। तो आता हूं सबसे पहले मैं तीनों मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ये आपको मगअप करना पड़ेगा बेटा। पहले तो पूरे 8 पिलर्स क्या क्या है, फिर उसके अंदर के कंटेंट आप समझिए और फिर अपनी भाषा में बिल्कुल आप लिख सकते हो। ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको मॉड्यूल की ही लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला मेंटेनेंस है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो रूटीन मेंटेनेंस। डे टू डे रूटीन के जो भी मेंटेनेंस होते हैं दैट शुड बी डन बाय द मशीन ऑपरेटर इटसेल्फ। इसके 2 फायदे हैं, पहला जो मशीन ऑपरेटर मशीन को मेंटेन करेगा अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील्स करेगा टुवर्ड्स द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीन, पहला फायदा ये। सेकेंड बहुत बड़ा फायदा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अब हम छोटे मोटे वर्क से निकाल के डेडिकेटेड जो टेक्निकल मेंटेनेंस है अगर वो उस पे अपना फोकस करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो इंप्रूवमेंट उनको ज्यादा मिलेगा। तो एक ऑटोनोमस मेंटेनेंस डे टू डे। सेकेंड है प्लांट, प्लांट मेंटेनेंस को आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोल सकते हो, प्लांट मेंटेनेंस को आप शेड्यूल्ड मेंटेनेंस बोल सकते हो। मतलब जब भी मैन्युफैक्चरर आपको मशीन सप्लाई करता है तो आपको बताता है कि कितने कितने इंटरवल पर आपको मशीन को क्या क्या सर्विसिंग रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको उसको प्रोवाइड करना रहेगा। 2-व्हीलर 4-व्हीलर में भी बात करें तो बेटा एक पूरा इंस्ट्रक्शन बुकलेट आपको मिलता है, उसमें बताया जाता है कि कितने किलोमीटर या कितने मंथ्स विच एवर इज
क्लियर, आपको ये वाली सर्विसिंग अपने व्हीकल में कराना पड़ेगा। सिमिलर इज द केस विद मशीनरीज अवेलेबल इन द फैक्ट्रीज, उसके मैन्युफैक्चरर ने भी इसका एक शेड्यूल मेंटेनेंस दिया होगा कि इतने इतने इंटरवल पर आपको करना है। तो एक प्रोएक्टिव, जो मैंने पहला आपको पॉइंट बताया था, मतलब मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन समय आ चुका है कि अब हम मशीन को एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें। थर्ड है क्वालिटी मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब जो मशीन ऑपरेटर है अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मशीन को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखे ताकि मशीन के द्वारा जो भी आउटपुट दिया जा रहा है दैट शुड बी अ टॉप क्वालिटी आउटपुट। मतलब बाद में ये दिक्कत ना आए कि रॉ मटेरियल तो हमारा परफेक्ट था, लेबर हमारे स्किल थे, लेकिन मशीन में प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण हमारा जो यूनिट है वो डिफेक्टिव निकला। तो एक क्वालिटी मेंटेनेंस, तीन मेंटेनेंस से रिलेटेड। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका फोकस्ड इंप्रूवमेंट, एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। फोकस्ड इंप्रूवमेंट इज नथिंग बट केजन कॉस्टिंग। क्या होता है केजन कॉस्टिंग? केजन कॉस्टिंग बोलता है आप स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाइए ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट मिले। तो फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक पिलर्स का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप साल के शुरुआत में एक मेंटेनेंस शेड्यूल डिसाइड कर दे और उसी को फॉलो करें। लगातार आप अपने मेंटेनेंस शेड्यूल को अपडेट करते जाइए और देखते जाइए क्या इसमें हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। वो इंप्रूवमेंट स्मॉल इंप्रूवमेंट होंगे तो भी चलेगा क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देंगे हमारी पूरी बिजनेस प्रोसेस में। ये बहुत यूनिक पॉइंट है बेटा, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, बहुत यूनिक पॉइंट है ये। द फिफ्थ पिलर ऑफ टीपीएम इज अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। क्या कंसेप्ट है ये? ये कंसेप्ट हमें बोलता है कि आज आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने एग्जिस्टिंग मशीन को यूटिलाइज करने में, आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कीजिए। आपको वापस मैं बोलता हूं, आज आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी एग्जिस्टिंग मशीनरी को यूज करने में, आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। सेकेंड, जो भी आपको लगता है कि आज ये मशीन है, अगर ऐसी मशीन हमें मिल जाती इसमें ये फीचर्स हो जाता तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट कीजिए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या काम आएगा, फ्यूचर में जब भी आप अपने लिए कस्टमाइज मशीनरी बनाएंगे सप्लायर के द्वारा, तो आप अपने सप्लायर को फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे कि भैया आज हमारी जो मशीनरी है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जो हमारे लिए कस्टमाइज मशीनरी बना रहे हो हम चाहते हैं उसमें ये वाली प्रॉब्लम ना आए, प्लस हमें ये वाले नए फीचर्स चाहिए जो आज की हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी में नहीं है। मतलब टीपीएम न सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस को डील करता है, ये कोशिश करता है कि फ्यूचर में जो भी मशीनरी आप अपने लिए एक्वायर करोगे, अपने लिए कस्टमाइज कराओगे, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेरेटिवली आपकी बहुत कम आए। दैट मशीन शुड बी वेरी वेरी सिंपल टू मेंटेन, इधर बाय द मशीन ऑपरेटर और बाय द मेंटेनेंस स्टाफ। तो टोटल पांच मेंटेनेंस हो गए अपने, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस एंड क्वालिटी मेंटेनेंस। फिर फोर्थ है आपका फोकस्ड इंप्रूवमेंट, आप उसको केजन कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। फिर दो पिलर्स है आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड। पिलर नंबर सिक्स दिया है आपके स्टडी मटेरियल में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप अपने वर्कर को प्रॉपरली ट्रेन करो, उनको एजुकेट करो कि मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है, मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, अपने आप को सेफ कैसे रखना है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। ये पूरा आप उनको एजुकेशन दीजिए जिससे वही बंदा फिर ज्यादा अच्छे से मशीन को ऑपरेट कर पाएगा। एंड एट द सेम टाइम जब भी आप अपना मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएंगे तो आपको वर्कर की सेफ्टी, जो भी सेफ्टी किट है आप उनको प्रोवाइड कीजिए, प्लस जो भी वाइब्रेशन होता है मशीन का, उससे जो नॉइस पॉल्यूशन होता है या कोई भी स्मोक वगैरह हो रहा है तो उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वर्कर को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर वर्कर बिल्कुल बेफिक्र है कि हाँ यार ये मशीन 100% सेफ है टू ऑपरेट, तो अपनी 100% एफिशिएंसी दे पाएगा। अगर आप उसको ये हेल्दी एनवायरनमेंट दोगे तो डेफिनेटली उसका, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है तो डेफिनेटली वो आपके आउटपुट में क्वालिटी दे पाएगा, उसकी एफिशिएंसी हमेशा मेंटेन रहेगी। एंड लास्ट पिलर है बेटा ऑफिस टीपीएम, मतलब आप ऑटोमेशन भी करिए अपने ऑफिस में रिलेटेड टू जो भी मेंटेनेंस वर्क है, वो जितना
मैन पावर उसमें कम इन्वॉल्व हो, ऑटोनोमस चीज हो आपकी ऑफिस में कि भैया ये मेंटेनेंस करना है तो बिल्कुल रिमाइंडर चले जाए हमारे मेंटेनेंस टीम को, प्रॉपरली पेमेंट कर दीजिए आप उनको ताकि कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए कि एडमिन के हिसाब से वर्क हो गया लेकिन पेमेंट पे वहां पे कहीं ना कहीं डिले आ रहा है। क्लियर है बेटा? बढ़ू आगे? चलिए, कोई डाउट इसमें आपको? बढ़ू आगे मैं? चलिए, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड केस स्टडी आई है। केस स्टडी नंबर 5 मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका पीडीएफ मैंने वहां पे पहले ही अपलोड कर दिया हूं। केस स्टडी नंबर 5 स्टार्ट करूं, अच्छी केस स्टडी है, इसको अपने पूरा स्ट्रक्चर दिया हूं मैंने आपको, वो स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे जितना लेंथ आपको दे रहा है। पहली बात तो मैं वापस से एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ केस स्टडीज आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगी जो 5 to 7 पेजेस, जिनके प्रिंटेड पेजेस है, अगर आप उसको लिखने बैठोगे बेटा आराम से आपके रजिस्टर के 5 to 7 प्रिंटेड पेजेस ऑफ स्टडी मटेरियल आपके रजिस्टर के 12 to 15 पेजेस कवर करेंगे। आईसीआई मैं बिल्कुल आपको और गारंटी से बोल रहा हूं, आईसीआई कभी भी इतनी लेंथ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। आईसीआई एक्सपेक्ट करता है आपके 20 मार्क्स में कि आपने अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखा हो। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट वाइज में आपने हर पॉइंट को एक कैप्शन दिया हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और क्वालिटी आंसर चाहिए उसको, क्वांटिटी आंसर नहीं चाहिए, टू द पॉइंट बोलना है। एक 20 मार्क्स का केस स्टडी का क्वेश्चन है तो अगर मैं आपके रजिस्टर की बात करूं तो 2.5 to 3 पेजेस दे आर मोर देन इनफ फॉर अ 20 मार्क केस स्टडी। और यही अगर मैं एग्जामिनेशन कॉपी की बात करूंगा उसमें मार्जिन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, तो तकरीबन 5 to 6 पेजेस अगर आप लिख रहे हैं 20 मार्क केस स्टडी के लिए तो वो मोर देन इनफ है एट योर सीए फाइनल लेवल। तो कभी भी आईसीआई ने जो सजेस्टेड आंसर दिया है उनकी लेंथ देख के आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए बेटा, वो लेंथ किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इवन ऑल इंडिया रैंक जो 1 आएगा उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो उतनी लेंथ दे पाए। आईसीआई की मजबूरी है कि उसको सभी व्यूज कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए वो क्या करता है, सभी व्यूज को इनकॉर्पोरेट करने के चक्कर में वो केस स्टडी बहुत लेंथी हो जाती है। तो अपन कोशिश करेंगे अपनी अभी केस स्टडी जो अपन 5 करेंगे इसको बहुत सिंपलीफाई कर पाए, मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा जिसको अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सभी केस स्टडी बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 13.30 में, आपके पास स्टडी मटेरियल अगर 3 है तो वहां पे मिल जाएगा। सुपर रिफाइनरीज लिमिटेड इज अ लीडिंग ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो हमारे क्लाइंट का नाम सुपर रिफाइनरी लिमिटेड है, रिफाइनिंग बिजनेस में है। कंपनी हैव 3 प्लांट्स नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। कंपनी हैव अ रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 30 million barrels। जनरली ये चीजें अपने पास काम की नहीं होती केस स्टडीज में कि आपके पास 3 फैक्ट्री है, आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है नंबर में, फिर भी जानकारी दिया है। कंपनी करेंटली एंजॉय अ 40% शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब अपन बोल सकते हैं मार्केट लीडर है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक सिंगल कंपनी का 40% मार्केट शेयर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लांट रन ऑन ऑल 365 डेज इन अ ईयर एंड ऑपरेट एट 100% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब आज की तारीख में हमारे प्लांट में कोई इश्यू नहीं है, हम पूरा अवेलेबल जो मशीन आवर्स है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, एंड दैट टू वी आर ऑपरेटिंग एट 100% ऑफ द कैपेसिटी। कंपनी करेंटली डजंट हैव एनी मेंटेनेंस शेड्यूल इन प्लेस फॉर इट्स प्लांट एंड मशीनरी, आज की तारीख में कंपनी के पास कोई भी मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं है। एनी रिपेयर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज कैरिड आउट ऑन एडहॉक बेसिस, एडहॉक बेसिस मतलब नीड बेसिस, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तभी हम मशीन को रिपेयर कराते हैं, हमारे पास कोई प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव वाला प्लांट मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं है। तो देखिए अभी तक इनको जरूरत भी नहीं पड़ी थी बेटा मेंटेनेंस की, रीजन ये है पूरा कंपनी 365 दिन ऑपरेट हो रही है ऑल डेज इन अ ईयर, प्लस आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब फर्स्ट पैरा के हिसाब से तो इनको मशीन आज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। बढ़ते अपन आगे, कंपनी इज इंप्लीमेंटेड TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट कंपनी रोल्स आउट टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। कंपनी ने ऑलरेडी अपने ऑर्गेनाइजेशन में TQM, जबकि अपन पढ़ कर रहे हैं TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी TQM दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व करा है।
कंपनी डिडंट रिसीव एनी कंप्लेन फ्रॉम इट्स कस्टमर रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। इस लाइन से हमें पता लगता है कि जो टेक्निक आपने ऑलरेडी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है वो आपको 100% रिजल्ट दे रहा है। TQM का बेनिफिट यही है कि आपका जो आउटपुट है वो क्वालिटी आउटपुट कस्टमर को मिले, तो वही चीज हमें मिल रही है, कोई कंप्लेन हमें नहीं है। द एंटायर प्रोडक्शन इज क्वाइट एक्साइटेड विद सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब TQM अपना रिजल्ट दे रहा है। तो अभी आप देखेंगे दोनों पैरामीटर का यहां पे TPM के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अब देखते हैं अपन। हाउएवर इन द लास्ट 3 मंथ अबाउट 30% ऑफ द डिस्पैच टू कस्टमर वर डिलेड। जो फर्स्ट 2 पैरा था वो बहुत नॉर्मल पैरा था, मतलब कहीं भी उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। अब कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पिछले 3 मंथ में, मतलब लास्ट क्वार्टर में 30% डिस्पैच जो है वो कस्टमर को डिले हुआ है। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द एंटायर प्लांट हैव टू बी शट डाउन फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटी ड्यू टू ब्रेकडाउन इन द मशीनरी फॉर अ वीक। ऊपर से और क्या दिक्कत हो गई, लास्ट क्वार्टर से आपके जो डिस्पैच है वो तो डिले हो ही रहे, साथ में अब इस वीक में पूरा आपका प्रोडक्शन रुक चुका है क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मतलब मशीन का चलते चलते बंद हो गया है, तो लगभग 1 वीक लगेगा अभी रिपेयर होने में। कंपनी ऑल्सो विटनेस 20% रिजेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉब्लम, कस्टमर को डिले हो रहा है डिस्पैच में। सेकंड प्रॉब्लम, 1 वीक तक हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑपरेटिव है। थर्ड, जो भी हम यूनिट बना रहे हैं उसमें से 20% हमारी यूनिट रिजेक्ट हो रही है। कंपनी कस्टमर क्लेम दैट प्रोडक्ट डिडंट मीट द स्पेसिफिकेशन एग्रीड बाय देम विद द कंपनी। ये चौथी प्रॉब्लम कि कस्टमर को डिले हो रहा है और जिन कस्टमर को मिल रहा है उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन बोला था कंपनी को, उस अकॉर्डिंगली वो गुड्स डिलीवर नहीं हो पा रहा है। डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज इज वरीड अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन एट प्लांट। Another concern for the director is the increase in number of accident and loss of productive time to this. तो ये और भी problem create हो रही है, ना सिर्फ customer को delay हो रहा है, 1 वीक तक हमारा पूरा production stoppage है, 20% rejection है, customer का specification हम met नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से एक और problem आ गई, हमारे organization में number of accidents भी बड़े हैं, जिसके कारण worker की safety कहीं ना कहीं compromise हुई है, और उसके कारण डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिव टाइम भी लॉस हुआ है। चेयरमैन ऑफ द कंपनी कन्वेड एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट एंड रीजन ऑफ द सिचुएशन एट प्रोडक्शन प्लांट। एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई चेयरमैन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया ये इशू को डिस्कस करने के लिए। अ की इशू हाईलाइटेड बाय प्लांट सुपरवाइजर इज दैट शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर प्लांट वर नेवर कैरिड आउट। The underlying assumption, चेयरमैन या किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि भैया क्यों आपने शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं कराया, तो क्या लॉजिक दिया जा रहा है। सिंस द प्लांट इज रनिंग स्मूथली देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो क्यों नहीं कराया आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो जवाब दिया गया सर 365 डेज ऑपरेट कर रहे, 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे थे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जनरली तब होता है बेटा जब मशीनरी न्यू होती है ना, तो न्यू मशीनरी में अगर आप मेंटेनेंस को फाइड भी कर देते हो तब भी मशीन इन द इनिशियल पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस आपको दिक्कत नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन मेंटेनेंस के कारण इन द नियर फ्यूचर फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वही इनके साथ हुआ होगा कि इनकी जो मशीनरीज होगी वो न्यूली परचेज होगी, जिसके कारण मेंटेनेंस एक्टिविटी इन द इनिशियल ईयर ऑफ मशीन ऑपरेशन ना के बराबर होती है तो चल गया। सच एक्टिविटी कॉस्ट अ लॉट ऑफ टर्म्स इन मनी एंड ऑल्सो कॉस्ट प्रोडक्टिव टाइम विच वुड अदरवाइज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन। और लॉजिक दिया गया कि अगर हम शेड्यूल मेंटेनेंस कराते हैं तो उसमें न सिर्फ हमारे बहुत सारा कॉस्ट इनकर्ड होगी बल्कि हमारा प्रोडक्टिव टाइम भी लॉस्ट होगा। The maintenance department and production department function in solos with almost no coordination among themselves. मतलब कोई तालमेल नहीं है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्लांट वर नॉट मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर अपन व्हीकल की बात करें तो उसका इंजन, ऐसी मशीन में जो भी इंजन होता होगा सबसे क्रिटिकल पार्ट को सालों हो गए आपने अभी तक मेंटेन नहीं किया है। तो
और रीजन दिया गया हमने शेड्यूल मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया, तो उसका पूरा लॉजिक बताया प्लांट सुपरवाइजर ने कि हम शेड्यूल मेंटेनेंस आज की तारीख में क्यों नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन कॉल्ड यू आफ्टर द मीटिंग, आप है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको बुलाया गया इस मीटिंग के बाद एंड आस्क्ड यू टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड द करंट इश्यू एट द प्लांट। चेयरमैन ने आपको कॉल किया है आपको और पूछा है कि बताइए करंट इश्यू पर उनको डिस्कशन करना है। क्या बोल रहा है चेयरमैन, वी हैड टीक्यूएम इन प्लेस एट ऑल अवर प्लांट, हमारे पास तीनों प्लांट है, तीनों प्लांट में हमने ऑलरेडी टीक्यूएम इंप्लीमेंट कर रखा है। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रोडक्शन डायरेक्टर दैट टीक्यूएम इज वर्किंग एज इंटेंडेड, सेकंड पैरा में बोला भी था बेटा टीक्यूएम 100% अपने को रिजल्ट दे रहा है। So, अब चेयरमैन का क्वेश्चन है व्हाई वी आर फेसिंग द ब्रेकडाउन प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टीक्यूएम इन प्लेस। तो तीन सवाल पूछा है, तीन चीजें बताया है। पहला टीक्यूएम हमारे हर प्लांट में है, प्रोडक्शन डायरेक्टर ने कन्विंस किया सेकंड पैरा में कि टीक्यूएम तो अपने लेवल पे वर्क कर रहा है। तो अब चेयरमैन का क्वेश्चन है अगर टीक्यूएम अपने लेवल पे वर्क कर रहा है तो फिर ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है इसके बावजूद कि टीक्यूएम हमारे को रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पार्ट, चेयरमैन हैव आस्क्ड यू टू क्विकली प्रिपेयर अ नोट हाईलाइटिंग द फॉलोइंग पॉइंट, एक नोट आपको तैयार करना है जिसमें आपको पांच पॉइंट्स पे अपना आंसर देना है। सबसे पहला व्हाट कुड बी द लाइकली लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस, क्या क्या आपको लॉसेस हो सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी के कारण। सेकेंड What kind of maintenance program could address the issue being faced by the company? तो जो ऊपर इश्यू है उसके लिए हम कौन सा मेंटेनेंस प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे, उस मेंटेनेंस प्रोग्राम के क्या क्या की फीचर्स है, और चौथा बहुत स्पेशल पॉइंट है आप कंपेयर करिए TQM और जो आपने प्रोग्राम आइडेंटिफाइड किया है उसको, और लास्ट में फिर आपको बताना है कि क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिस कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो रिक्वायरमेंट पार्ट अपने आप में बहुत सिंपल है। अब मैं आपको 30 सेकंड देना चाहूंगा, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिवर्ट कीजिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने इसमें क्या आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि वहीं पे बच्चा मार खाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वहीं पे दिक्कत आती है। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं बेटा और आपके आंसर का मैं वेट भी करता हूं, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास क्या होता। अभी तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं भी पूछता तो भी वो इश्यू डील हो जाता, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पहली बार आता तो सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन में क्या है ये आप मुझे बताइए व्हाट्सएप के थ्रू बेटा रिवर्ट कीजिए, मैं वेट करता हूं आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ा चैलेंज अगर इस क्वेश्चन में कोई है ना बेटा तो वो ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें टीपीएम लगाना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टीपीएम वर्ड नहीं दिया है। आप मान के चलिए अगर अप्रोक्सीमेटली 50 केस स्टडीज आपके पास अगर आईसीए के स्टडी मटेरियल में है फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें से 30% अप्रोक्सीमेटली 15 केस स्टडी आपको ऐसी मिलेगी जहां पर आपको उस कंसेप्ट का कहीं भी डायरेक्टली नाम नहीं दिया है पूरे क्वेश्चन में। तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप पढ़े बेटा, इवन जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपन टीपीएम पढ़ रहे हैं तो उसकी केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कैसे पहचाना जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता कि टीपीएम का क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको 2-3 लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर में भी बोला हूं बेटा, आपके सीए फाइनल एफसीएमपी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एक कांसेप्ट जो एक बार पढ़ा दिया गया उसमें कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है कोई भी दूसरे चैप्टर्स में। तो जब भी पूरे सिलेबस में, पूरे 12 चैप्टर्स में जब भी मशीन के मेंटेनेंस की बात आएगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही कांसेप्ट लगेगा एंड दैट इज टीपीएम। आई रिपीट, जब भी मशीन के मेंटेनेंस की बात आएगी आपके पास कोई भी दूसरा कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है आपके पूरे 12 चैप्टर्स में एक्सेप्ट टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जब भी इन्वेंटरी की बात आएगी,
जीआईटी सिस्टम लगेगा। जब भी वेस्ट की बात आएगी, 7 type of waste लगेगा। तो ये चीजें बिल्कुल फर्म है, कभी चेंज नहीं होने वाली। तो देखिए पूरा क्वेश्चन डेडिकेटेड है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एक्सीडेंट हो रहे हैं तो डेफिनेटली मेंटेनेंस की जहां पे बात आएगी मशीन के, तो अकेला कंसेप्ट जो अप्लीकेबल होगा वो टीपीएम होगा। बढ़ू आगे। चल अब जो पहला वाला पॉइंट है, वॉट कुड बी द लाइकली लॉसेस अराइविंग ड्यू टू ब्रेकडाउन। ये इमेजिनेशन पार्ट भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर ये इमेजिनेशन पार्ट होता, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट पार्ट होता, क्योंकि फिर आपको अपना माइंड वहां पे अप्लाई करना होता, जिसमें समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में बिल्कुल आपको बता दिया है, आपको बस उसको पॉइंट वाइज लिखना है बेटा। ये सेकेंड और थर्ड पैरा में आपको सभी चीजें बता दिया है कि मशीन के ब्रेकडाउन के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट का जो रिक्वायरमेंट पार्ट है, हम उसको इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि बेटा, जब भी 20 मार्क्स की केस स्टडी आए, एक फॉर्मेलिटी है कि आप अपनी भाषा में इश्यू इन द क्वेश्चन लिख दीजिए, मैक्सिमम 4 to 6 लाइन में। कोई हालत में पेपर चेकर ये पढ़ेगा नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो जरूर चेक करेगा कि आपने इश्यू इन द क्वेश्चन इन्वॉल्व जो है वो लिखा है नहीं लिखा। 4 to 6 लाइन में लिख दीजिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब जो पहला रिक्वायरमेंट पार्ट था, इसका एक एक आंसर यहां तक अगर आप देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। सेकेंड और थर्ड पहला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन में दिया है, डिले इन डिस्पैच हो रहा है, 20% रिजेक्शन हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है हमारा स्पेसिफिकेशन मेट नहीं हुआ है, इंक्रीज इन एक्सीडेंट, फोर्थ पैरा की लास्ट लाइन, और फोर्थ पैरा की लास्ट लाइन बोल रहा है लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। ये इंस्टीट्यूट ने डेफिनेटली, जब आप आईसीए का सजेस्टेड आंसर देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल नया दिया है, एडिशनल सेटअप कॉस्ट वाला। बाकी जो ऊपर के पॉइंट है, ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको मेहनत करना है, तो सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो एक अच्छा पॉइंट है ये, कि अगर मशीन का ब्रेकडाउन जाता है, मतलब मशीन चल रही थी, अचानक चलते चलते बंद हो गई, तो हमें जो बैच प्रोड्यूस कर रहे थे हम उस मशीन के द्वारा, वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई, वो बैच बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि मशीन चलते चलते बंद हो गई। अब जब वापस से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करके हम मशीन को चालू करेंगे, तो वापस हमें सेटअप करना पड़ेगा मशीन को। तो एक ही बैच को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 बार सेटअप करना पड़ता है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा लॉस है, जो हमें कस्टमर से हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। रीजन ये है, कोई ब्रेकडाउन डेली बेसिस पे नहीं होता, वीकली बेसिस पे नहीं होता, साल में 1-2 बार अगर आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो सेटअप कॉस्ट कितनी लगेगी यार। ठीक है, फिर भी आईसीए ने दिया है, तो मैंने यहां पे इसको रखा हूं। फिर सेकंड पॉइंट, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स रहेंगे। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट में रहना है। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम। चेयरमैन ने आपको नहीं बताया कि टीपीएम आपको लगाना है, वो आपसे पूछ रहा है कौन सा मेंटेनेंस प्रोग्राम हम जो इश्यू फेस कर रहे हैं, आपने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, वो उसको एड्रेस कर पाएगा, है ना। तो यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, शुरुआत हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये नहीं बोलेंगे, टीपीएम के बारे में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यही वर्ड यूज करेंगे, कैन यूज, मतलब कंपनी चाहे तो मेंटेनेंस प्रोग्राम के लिए एक अलग से सेपरेटली कंसेप्ट है, जिसका नाम है टीपीएम, तो कंपनी चाहे तो एक टीपीएम कंसेप्ट यूज कर सकती है। जनरली गलती क्या होती है, मेंटेनेंस प्रोग्राम अपने से पूछा है और अपन बिना कोई फॉर्मेलिटी करे डायरेक्टली टीपीएम के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यहां पे होगा कि आप अपने क्लाइंट को बताइए, चेयरमैन को बताइए कि सर ऐसी एक टेक्निक है जो इस मेंटेनेंस प्रोग्राम को डील करती है, जिसके द्वारा जो अपने लाइकली लॉसेस है वो खत्म हो जाएंगे, तो इसका नाम है टीपीएम। तो देखिए बेटा, यहां पे 3 से 4 लाइन आपकी हो गई। तो केस स्टडी जो इतनी लेंथी बनाई गई है ना, पूरी केस स्टडी को आप मगअप कर भी नहीं सकते। मेरा तो ओपन चैलेंज रहता है, मैं हमेशा हर बैच में, चाहे मेरी रेगुलर हो, क्रैश बैच हो या यूट्यूब लाइव सेशन हो, मैं तो बिल्कुल ओपनली बोलता हूं बच्चों को कि कोई भी बच्चा उसको मगअप कर ही नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, एक सब्जेक्ट थोड़ी ना आपके पास, है ना। तो हमेशा आपको इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है बहुत मदद करेगा। इसी स्ट्रक्चर को अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन में भी यूज किया, तो पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट पार्ट को कैसे लिखना है।
इसका दूसरा बेनिफिट, एक तो यही क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइप की स्टेप से आप ये सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाता है। अगर सिर्फ आप मगअप करेंगे ना बेटा, तो अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आप बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, नया क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करें, इसको डिजाइन करें कैसे करें, क्या पहले लिखे क्या बाद में लिखे। तो इस प्रकार से अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हो तो डेफिनेटली बेटा आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप जितने क्वेश्चन आईएफए ने दिया है, बच्चों के कंप्लेन है कि बहुत कम क्वेश्चंस दिया, मोर देन इनफ बेटा, अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली पढ़ते हो और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज सीखते हो कि इसको लिखा कैसे जाता है। जिस दिन आप ये सीख गए, आप 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो दैट इज इक्वेलेंट टू 50 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ऐसा एक कंसेप्ट है जो लाइकली लॉसेस को रिड्यूस कर सकता है, जिसका नाम है टीपीएम। अब टीपीएम के हम डेफिनेशन दे देंगे, उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे। फिर ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में भी आइडेंटिफाई कराया था कि ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉप वर्किंग कंडीशन में सभी मशीन को रखना, ताकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और जो डिले होता है, जो भी क्वालिटी इश्यू है, हम उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए, मिनिमाइज नहीं, हम उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए। फिर आप इसके फीचर्स बता दीजिए, क्या क्या फीचर्स है टीपीएम को, क्योंकि आपके चेयरमैन को टीपीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप अपन फीचर्स बताएंगे कि ट्रेडिशनल में मेंटेनेंस का काम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता था, जबकि टीपीएम में ये सभी का काम है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये बिल्कुल आईसीआई के आंसर के अकॉर्डिंगली है, वहीं से मैंने ये स्ट्रक्चर डिराइव किया, तो बिल्कुल लाइन वाइज आपको ऐसे मिलेगा आईसीआई के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहला फीचर हम बताएंगे कि नॉर्मली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का वर्क माना जाता था, जबकि यहां पे मेंटेनेंस सभी इन्वॉल्व रहेंगे। डे टू डे मेंटेनेंस हमारा मशीन ऑपरेटर करेगा और टेक्निकल मेंटेनेंस हमारा डेफिनेटली डेडिकेटेड मेंटेनेंस स्टाफ करेगा। फिर ऑटोनोमस मेंटेनेंस जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया है, प्लांट मेंटेनेंस डिस्कस किया है, ट्रेनिंग का जो एट पिलर्स में से एक पिलर है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में कोई भी बंदा अनस्किल्ड ना रहे, सेमी स्किल्ड ना रहे, सभी बंदे फुल्ली स्किल्ड रहे। कैसे मशीन को ऑपरेट करना, कैसे क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करना, कैसे मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करके या तो हॉल्ड करना या तो रिपेयर कर देना, पूरा फुल फैक्ट्री फुल ऑफ हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो ये हमने बता दिया, जो उन्होंने पूछा था कि क्या कोई एक ऐसा मेंटेनेंस प्रोग्राम है जो हमारे ऊपर वाले लाइकली लॉसेस को रिड्यूस करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को अपनी भाषा में लिखोगे बहुत 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 इजीली आप इसको बेटा नहीं तो भी 20 लाइंस के आसपास लिख सकते हो, जो मोर देन इनफ है एक सिंगल रिक्वायरमेंट पार्ट के लिए। बढ़ू आगे, और थर्ड पॉइंट में अपन आते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ सच प्रोग्राम। तो ये जो फीचर्स है आप बिल्कुल यहां पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो अपन ने बताया कि ये जो फीचर्स है आप इसको सेकंड पॉइंट में ना लिख के थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे टीपीएम के 8 पिलर्स बता सकते हो फीचर्स में एडिशनल, कि ऑटो पिलर्स क्या क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मेंटेनेंस, फिर 2 आपका आएगा अपना केजन कॉस्टिंग, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, फिर 2 एम्प्लॉयज से रिलेटेड और एक लास्ट ऑफिस से रिलेटेड। तो इनफ आपको मिल जाएगा, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है बेटा, ये आपको सेपरेटली भी कभी पूछा जा सकता है। फोर्थ पार्ट है कंपेयर द प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अबाउट। तो आपने कौन सा प्रोग्राम आइडेंटिफाई किया? टीपीएम। टीपीएम और टीक्यूएम को आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि जब आप चेयरमैन का वो क्वेश्चन देखोगे तो उनको यही इश्यू है कि अगर हमारे यहाँ टीक्यूएम है तो फिर हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, टीक्यूएम और टीपीएम में सिमिलरिटी क्या है, और मेजरली आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा कि टीपीएम और टीक्यूएम में क्या डिफरेंस है। तो पहली सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं इसमें, तो सिमिलरिटी ये है दोनों ही मॉडल में, चाहे हम टीपीएम की बात करते हैं चाहे हम टीक्यूएम की बात करते हैं, दोनों ही मॉडल फोकस करते हैं कैसे क्वालिटी आउटपुट दे पाए। चाहे टीक्यूएम का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी आउटपुट, अगर हम टीपीएम की भी बात करें तो इसका भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी आउटपुट, एट द सेम टाइम वर्कर को एक हेल्दी और सेफ एनवायरमेंट देना, ये भी अपने आप में इसका ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस क्या क्या है? दोनों की अप्रोच अलग अलग है, मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव सिमिलर है कि हमें क्वालिटी आउटपुट देना है, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग है। टीक्यूएम अवेयरनेस क्रिएट करता है,
TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस क्रिएट करता है टुवर्ड्स द क्वालिटी, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि जब भी आप आउटपुट बनाए आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम गुड यूनिट आप बना पाए, उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करता है, लगातार मोटिवेट करता है अपने बंदों को कि आपको क्वालिटी आउटपुट देना है। जबकि TPM की अप्रोच क्वालिटी आउटपुट देने में थोड़ी अलग है। TPM फोकस करता है कि जो भी हमारी मशीनरी हमारे आउटपुट को बना रही है हम उसको टॉप वर्किंग कंडीशन में रखें, तो डेफिनेटली अगर मशीन प्रॉपर रहेगी तो जो उससे आउटपुट निकलेगा वो फर्स्ट टाइम गुड यूनिट होगा। तो दोनों फोकस करते हैं क्वालिटी को मेंटेन और इंप्रूव करने के लिए, लेकिन दोनों की अप्रोच टोटली अलग है। TQM फोकस ऑन अवेयरनेस व्हाइल TPM फोकस ऑन इक्विपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके स्टडी मटेरियल में इस केस स्टडी से रिलेटेड दिया है कि कौन बड़ा भाई है। बड़ा भाई का मतलब TQM मदद करेगा TPM को या TPM मदद करेगा TQM को। क्या बोला बेटा मैंने, कौन किसको मदद करेगा? तो फाइनल आंसर है TPM हेल्प करेगा TQM को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर TQM अप्लाई कर रही है तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि अनडाउटेडली अगर आप सिर्फ TQM अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि परफेक्टली स्कोर आपका 100 आउट ऑफ 100 हो, तो TQM के साथ अगर आप TPM लगा दोगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वो ज्यादा अच्छे से अचीव हो पाएगा। कैसे? इसका आंसर दिया है ऐसे ही नहीं, ब्रेकडाउन हम रोक पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, हम अपने इक्विपमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे, हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, और ये तीनों चीज 100% आपको रिजल्ट देगी टू अचीव द क्वालिटी आउटपुट, जो मेजर फोकस है TQM का कि हम फर्स्ट टाइम गुड यूनिट बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा बेटा आपके लिए कि जब आप यहां पर बताए TQM और TPM में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, तो आप ये भी बताइएगा TQM अगर आप लगाते हो तो उसके साथ अगर आप TPM लगाएंगे तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और भी बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। बढ़ूंगा आगे। लास्ट आपको पूछा है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिस। यहां पे मेरी ICAI से थोड़ी सी कंप्लेन है, जब आप अपने स्टडी मटेरियल में जो TPM दिया है जब आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस बताई गई है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बताई गई है, और जब एक सजेस्टेड आंसर में जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस दिया है वो टोटली अलग है। टोटली मतलब 50-60% कुछ नई चीजें भी हमें यहाँ पे दिया है जो आपको स्टडी मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप हमें पूरा स्टडी मटेरियल में चीजें दीजिए, फिर अगर आप उसको केस स्टडीज में पूछते हैं तो हमेशा फिर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, ठीक है बेटा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो मान के चलिएगा जो भी आपका नॉलेज है TQM का, सॉरी TPM का, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, उसमें आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप बताएंगे आज की हमारी करंट प्रैक्टिस है, हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पर यकीन कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट पैरा में भी दिया था एडहॉक बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मेंटेनेंस को कर रहे हैं, जबकि सजेस्टेड प्रैक्टिस हमारे पास से होगी प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव को आप प्लान भी बोल सकते हो, इसको आप शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी बोल सकते हो। फिर दूसरा है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ये दो मेंटेनेंस तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा। तीसरा मेंटेनेंस एकदम यूनिक मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए मशीन के इंजन में प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्रेकडाउन हो गया, या हम अभी मशीन को प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हैं, उस मेंटेनेंस को करते समय अगर हमें कोई दूसरे एरिया में भी प्रॉब्लम नजर आती है, हम मेंटेनेंस जो हमारा शेड्यूल था या जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस था वो डायरेक्टेड था टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्ट, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मशीन, लेकिन जब हम उसको रिपेयर कर रहे थे तो हमने नोटिस किया मशीन के दूसरे सेक्शन में भी या दूसरे पार्ट में भी प्रॉब्लम है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव नहीं था जब हमने रिपेयरिंग स्टार्ट किया था। तो अगर आप कोई भी नई प्रॉब्लम नोटिस करते हो ड्यूरिंग द शेड्यूल मेंटेनेंस, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ड्यूरिंग द ऑटोनोमस मेंटेनेंस, तो जब उस आप अनशेड्यूल मेंटेनेंस को भी, अनशेड्यूल प्रॉब्लम को भी आप जब रेक्टिफाई करते हो तो उसको बोला जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अंतर है बेटा ना, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब आपने पता लगा लिया कि मशीन किस कारण बंद हुई तो आप उसको रिपेयर कर रहे हो। प्लांट मेंटेनेंस आपने बोला कि यार ये वाला पार्ट इतने समय में चेंज होना चाहिए, इसको सर्विसिंग मिलना चाहिए, हम उसको कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में आपको अगर कोई नई प्रॉब्लम पता लगती है तो जब आप वो नई प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हो तो देन दैट इज नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस।
बढ़ूं आगे, एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ये हमेशा बोलता है कि हमेशा एक मेंटेनेंस आपकी डेली हैबिट होना चाहिए, यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि कंपनी को आज क्या करना चाहिए। टीक्यूएम तो उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, टीक्यूएम के साथ साथ उन्हें टीपीएम भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज हमने बताया है वो रेक्टिफाई हो पाए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम वर्क, कहीं ना कहीं ये बोला गया था, आपको पूरे क्वेश्चन में याद आएगा जब मैं बोलता हूं अभी, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपको क्वालिटी आउटपुट अचीव करना है, ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है बेटा, ये टीम वर्क है। तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप टीपीएम और टीक्यूएम से अपने क्वालिटी आउटपुट को दे पाओगे। और ये सोच, एक बहुत बड़ी सोच थी इस क्वेश्चन में, कि इससे खर्चा होता है, आपको मिलेगा वो पैरा में कि भैया आप क्यों नहीं करा रहे हो मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला था इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, प्लस हमारा प्रोडक्टिव टाइम भी लॉस्ट होता है। तो उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई जो भी हम टीपीएम में खर्चा कर रहे हैं ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। कैसे कन्विंस करोगे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट, इसलिए क्योंकि एक बार आप ये प्रैक्टिस चालू कर देते हो तो आपको करेंट पीरियड में तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, फ्यूचर में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में रहना है तो आप अपनी क्वालिटी में, अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। बढ़ूं आगे, दिस इज ऑल अबाउट द टीपीएम। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपनी नेक्स्ट केस स्टडीज है सिक्स सिग्मा से रिलेटेड, दो केस स्टडीज है अपने पास यहां पे, एक कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है और दूसरी जो केस स्टडीज है आपके पास वो अच्छी काफी लेंथी केस स्टडीज है। आई थिंक इट्स अवेलेबल इन पेज नंबर, जस्ट मिनट बेटा, पेज नंबर 13.34 में, जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है पीडीएफ अवेलेबल तो वो मॉड्यूल नंबर जो थर्ड है उसके पेज नंबर 34 में देखेंगे तो याली केस स्टडी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट इज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा के ऊपर दो केस स्टडी है अपने आपको। सिक्स सिग्मा का सबसे पहले आप वो पेज निकालिए मॉड्यूल का, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लैंग्वेज है वहां पे वो पहले मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे सिक्स सिग्मा की, मतलब इस लाइन में कहीं भी आप अपने लेवल से कुछ भी नए वर्ड एडिशन या डिलीशन या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। एज इट इज आपको ये लाइन करना पड़ेगा, कोई चॉइस आपके पास नहीं है। स्टार्ट करूं, चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड है इट इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। एक है क्वालिटी मेंटेनेंस टेक्निक कि हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं ना। सिक्स सिग्मा का बेसिक पर्पस क्वालिटी को मेंटेन करना नहीं है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है। हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज नहीं लिखा है, हुज ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट डिफेक्ट, मतलब जीरो करना है, एलिमिनेशन वर्ड यूज होगा। कभी भी सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन में आप मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट नहीं लिखेंगे, यहां पे आप एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट लिखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट लिखेंगे। कौन से डिफेक्ट? हर वो एरिया वाले डिफेक्ट जिससे मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन अफेक्ट होता है। मतलब टीपीएम और जो भी कंसेप्ट थे वो इंटरनल भी थे एक्सटर्नल भी थे, जबकि सिक्स सिग्मा 100% फोकस करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर। हर वो एरिया जो आज कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिससे अफेक्ट हो रहा है, उन हर एक एरिया के डिफेक्ट को जब मैं एलिमिनेट कर देता हूं तो मैं बोलूंगा ये सिक्स सिग्मा टेक्निक मैंने अप्लाई किया। जब भी आप सिक्स सिग्मा अप्लाई करेंगे, एक ये बहुत बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, कोई एक दो साल में आज के लेवल से आप सिक्स सिग्मा में नहीं पहुंच जाएंगे, इट विल टेक इयर्स। जब मैं इयर्स की बात करता हूं तो बहुत नॉर्मल पीरियड है इसका, 5 to 10 years लगभग आपको लगते हैं सिक्स सिग्मा के लेवल को अचीव करने के लिए। तो बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें डेडिकेशन चाहिए, तब जाके आप सिक्स सिग्मा की जो एक्यूरेसी है 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब 10 लाख यूनिट्स अगर आप बनाते हो और मैक्सिमम आपका 3.4 डिफेक्ट आता है, तब जाके आप बोल सकते हो हमने सिक्स सिग्मा का लेवल अचीव किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो आपको बताता है कि आप परफेक्शन से कितना डेविएट हो रहे हो। जितना
ज्यादा होगा सिग्मा का नंबर मतलब उतना क्लोज है आप परफेक्शन से रिलेटेड। अब एक चीज आपको यहां पे बिल्कुल मगअप करना पड़ेगा, पहला, सेकंड और ये परसेंटेज, ये जी हाँ, ये तीन कॉलम आपको मगअप करना पड़ेगा क्योंकि जो दोनों केस स्टडीज है उसमें आपको हमेशा ये बताना पड़ता है कि आज की तारीख में मेरा क्लाइंट कौन से सिग्मा लेवल पे है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वन सिग्मा में कितने डिफेक्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, फोर सिग्मा में कितने डिफेक्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, सिक्स सिग्मा में कितने डिफेक्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, तो जब भी आप केस स्टडी करेंगे आप ये नहीं बता पाएंगे कि आज की तारीख में कंपनी कौन से लेवल पे है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों कॉलम आपको रटना है और ये आपको कोशिश करना है बिल्कुल आपको जो नंबर है वो मगअप होने चाहिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन आएगा, थोड़ी देर बाद अपन जब इसका क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा कहां पे किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि आज की तारीख में बिफोर सिक्स सिग्मा हम कौन से सिग्मा लेवल पे है, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा, ताकि फिर हम बता पाएंगे आज के लेवल से अपने को सिक्स सिग्मा में ट्रांसफर होना है। ठीक है बेटा, चलिए। और ये टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, DPMO, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल वर्ड्स लिखेंगे बेटा तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर अगर आपने 3.4 डिफेक्ट लिख दिया तो गलत आएगी। इट इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी और ब्रैकेट में आप लिखेंगे DPMO, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। बढ़ू आगे, अब सिक्स सिग्मा को अचीव कैसे किया जाता है इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है DMAIC, DMAIC और दूसरा है DMADV। दोनों ही मेथड सिक्स सिग्मा से रिलेटेड है, लेकिन जो अपने पास केस स्टडीज है वो केस स्टडी पूरा ओरिएंटेड है टुवर्ड्स DMAIC प्रोसेस। क्या डिफरेंस है पहले तो दोनों में, DMAIC और DMADV में? DMAIC जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोसेस के ऊपर अप्लीकेबल होता है। आई रिपीट, DMAIC जो टेक्निक है वो आज की एग्जिस्टिंग प्रोसेस या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर अप्लीकेबल होता है, जबकि जो DMADV है, DMADV, वो जो टेक्निक है वो न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होती है। एक बार आप जरूर अपने लेवल पर बेटा आप एग्जामिनेशन के पहले DMADV वाली टेक्निक पढ़ के जाइएगा। हालांकि कोई क्वेश्चन अभी तक, लगभग 3-3.5 साल हो गए इस न्यू सिलेबस को, ISI ने एक भी क्वेश्चन उसके ऊपर ड्राफ्ट नहीं करके दिया, बट यू नेवर नो कि आपके अटेम्प्ट पे ही वो पहली बार पूछ ले। तो एक बार नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो टर्मोलॉजीज है पांच, उनमें से तीन टर्मोलॉजीज तो बिल्कुल वही है जो DMAIC में काम आती है, सिर्फ लास्ट की दो टर्मोलॉजीज वहां पे डिफरेंट है। तो मेरा भी पूरा फोकस रहेगा एग्जिस्टिंग केस स्टडीज जो फोकस करती है DMADV पर। डी स्टैंड फॉर डिफाइन, एम स्टैंड फॉर मेजर, ए स्टैंड फॉर एनालाइज, आई स्टैंड फॉर इंप्रूव एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोल। अब इनके मतलब क्या क्या है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको बिल्कुल आपको एज इट इज मगअप करना पड़ेगा। मैं आपको ये बहुत कम टॉपिक में बोला हूं, लगभग एक थर्ड डे है बेटा, मैंने आपको बहुत कम लैंग्वेज यूज कराऊं कि एज इट इज आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्निकल टॉपिक होते हैं उसमें आपको अपनी लैंग्वेज नहीं दे सकते। पहला मैंने आपको बोला कि जो इसकी डेफिनेशन है आपको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट याद रखना, इट इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक हूज ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट डिफेक्ट इन एनी एस्पेक्ट दैट अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर दूसरा, आपको DPMO वाली टर्मोलॉजी के पूरे सिक्स सिग्मा लेवल के नॉलेज होने चाहिए कि किस सिग्मा पर कितने परसेंट डिफेक्ट अलाउड है। फिर नेक्स्ट, आपको जो DMAIC वाली टेक्निक है इसके एक एक वर्ड एविटिव जब आप लिखेंगे तब जाके फिर इसके अंदर के कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में दे पाएंगे, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है इसको आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बेटा, पांच लाइन है इस टॉपिक में या 6-7 लाइन बोल दो आप, इतना आराम से आप मगअप कर सकते हो, मुझे पता है ना। तो डिफाइन में क्या चीज है बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कस्टमर ओरिएंटेड है ये, तो सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, आप सिक्स सिग्मा में जो लेवल अचीव करना चाहते हो वो किस एरिया में करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक है, बैंक आपके पास आता है, क्लाइंट है आपका, वो ऑडिट करते हो आप उनका, वो आपको बता रहा है कि सर आज की तारीख में हमारे पास बहुत कंप्लेन आती है कि जो कैश काउंटर है हमारा, कैश रिसिप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट, वहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर की कंप्लेन आती है, जिससे रिलेटेड हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है।
तो अब हम इससे चाहते हैं कि इस एरिया पे आप हमें सिक्स सिग्मा अप्लाई करके दीजिए ताकि वो डिफेक्ट हम एलिमिनेट कर पाए। तो सबसे पहला डीमैक का डी डिफाइन, डी स्टैंड फॉर डिफाइन। तो सबसे पहले हम यहां पे प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि भैया प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हमें पता लगी कि जो कैश काउंटर है इस ब्रांच का, यहां पे नंबर ऑफ कंप्लेन बहुत ज्यादा आती है। कस्टमर की कंप्लेन है कि ना तो बंदे को टेक्निकल ज्यादा नॉलेज है और कंपेरेटिवली यहां पे समय बहुत लगता है आपकी ही दूसरी ब्रांच के कंपेरिजन में। सेकेंड, प्रोजेक्ट गोल डिफाइन कर दिया आपने प्रॉब्लम को, फिर आपको यहां पे बताना पड़ेगा अल्टीमेटली आप क्या प्रोजेक्ट गोल अचीव करना चाहते हो। मैं आपको बताऊंगा दोनों केस स्टडीज में प्रोजेक्ट गोल एक प्रकार से आपको सेम लिखना है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब वो केस स्टडीज आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड, ये प्रॉब्लम है तो कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीजें आप लिखेंगे। व्हाट इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर चाहता है कि जो भी क्वेरी सामने वाला पूछता है आपका कस्टमर, वो आप कैशियर उसको रिवर्ट करे, कैशियर एक एवरेज टाइम पे कस्टमर को कैश डिसबर्स करे या कैश एक्सेप्ट करे, एक लिमिट से ज्यादा कभी भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जब भी डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन में हम तीन चीजें बताएंगे। पहला, प्रॉब्लम क्या है, किस एरिया पर आप सिक्स सिग्मा लगाकर जीरो डिफेक्ट अचीव करना चाहते हो। सेकंड, हम बताएंगे हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है, अल्टीमेटली हम अचीव करना क्या चाहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है वो चाहता क्या है, वो हम कस्टमर रिक्वायरमेंट में बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन द करेंट परफॉर्मेंस। हम यहां पे स्टेटिस्टिकल टूल, मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे जिसके द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम आज कितनी सीवियर है, है ना। जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम आ रही है कि समय बहुत लगता है, अब ये समय बड़ा एम्बिग्यूटी वाला है, तो हम यहां पे मेजर करेंगे कि कितना समय लगता है। मॉर्निंग सेशन जब बैंक ओपन होती है तो जो कस्टमर आते हैं उनको कितना समय लगता है, फिर इवनिंग में जब बैंक क्लोज होती है उसके वन आवर बिफोर कितना समय लगता है। तो हम बिल्कुल एक्यूरेट यहां पे हम मेजर करेंगे कि एक कस्टमर को एवरेज में कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन सी क्वेरी कस्टमर पूछ रहा है जो हमारा सामने वाला कैशियर रिवर्ट नहीं कर पा रहा है। तो प्रोसेस टू डिटरमाइन द करेंट परफॉर्मेंस, इफ मेजर में आपको ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना पड़ेगा कि आज की तारीख में कंपनी, आज का जो करंट परफॉर्मेंस है कंपनी का, वो कौन से सिग्मा लेवल पे फॉल होता है। ये आपको परसेंटेज में पहले पूरा आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे और फिर आपको इनमें से बताना पड़ेगा कि कंपनी आज कौन सा सिग्मा लेवल पे है इन द पॉइंट मेजरमेंट। बड़ू बेटा आगे थर्ड है एनालाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी पूरी डीमैक की और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रूट कॉज। आपने ये बता दिया हमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, ये डिफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करता है, ये डिफेक्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो अब ये जो प्रोसेस है ये पता लगाए कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे रूट कॉज क्या है। उसके पीछे कॉज नहीं बोला बेटा, रूट कॉज मतलब जड़ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज में नहीं जाएंगे आप उस प्रॉब्लम को सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जबकि सिक्स सिग्मा का ऑब्जेक्टिव है हमें डिफेक्ट को एलिमिनेट करना है। तो जब भी एनालाइज आएगा तो आप याद रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रूट कॉज एनालिसिस, मतलब हम जड़ में जाएंगे। अब जो जो आपको प्रॉब्लम पता लगती है उसमें आप क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे ताकि वो प्रॉब्लम में हम डिफेक्ट को एलिमिनेट कर पाए, दैट इज नोन एज इंप्रूव द प्रोसेस बाय एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग द रूट कॉज। तो जो जो एनालाइज स्टेज पर आपने बताया ये रीजन है, उन रीजन के, उन रूट कॉज के सॉल्यूशन को हम यहां पे बोल देंगे इंप्रूव। और कंट्रोल का मतलब है जो भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है उसको मेंटेन करना, साथ में फ्यूचर के परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव करना। ठीक है बेटा, तो क्या क्या था डीमैक में, डी स्टैंड फॉर डिफाइन, तीन चीजें हम वहां पे लिखेंगे, बोलते जाइएगा बेटा साथ में, आप देख के बोलिए चलेगा लेकिन बोलते जाइए साथ में। सबसे पहले है डीमैक डिफाइन में हम प्रॉब्लम बताएंगे, फिर प्रोजेक्ट गोल बताएंगे, एंड थर्ड पॉइंट हम बताएंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट। फिर मेजरमेंट में हम स्टेटिस्टिकल टूल यूज करेंगे जिससे हम ये बताएंगे कि जो स्टेटिस्टिकल टूल है कि आज का हमारा करंट परफॉर्मेंस क्या है, हम कौन से सिग्मा लेवल पे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है हमें सिक्स सिग्मा में जाना। एनालाइज में हम ढूंढेंगे, क्वेश्चन में ही जनरली बता दिया जाता है कि रूट कॉज क्या क्या है, क्या जड़ है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है।
फिर जो भी रूट कॉज है उनके सॉल्यूशन जब आप प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इम्प्रूवमेंट स्टेज, एंड लास्ट में जब आप देखेंगे तो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को और फ्यूचर के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने को हम बोलेंगे यहाँ पे कंट्रोल। बड़ू बेटा आगे कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए बेटा, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं वेट करता हूं आपका 30 सेकंड, क्योंकि इसकी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसमें कहीं भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो मैं आपका वेट करता हूं, कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए, और नहीं है तो फिर थम्स अप करके बोलिए ताकि फिर अपन इसमें आगे बढ़े। बेटा चलिए बड़े बड़े आगे और आइए आप इस केस स्टडी में। बहुत लेंदी केस स्टडीज है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी केस स्टडी आपको सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ही मिलेगी पूरे केस स्टडी में, बाकी नहीं मिलना है। चलिए बढ़ते हैं अपन केस स्टडी नंबर 6 में आइए बेटा, ये आपको वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 34 में मिलेगी। मैं आपको एक गारंटी देता हूं बेटा, यहां पे कभी भी एग्जामिनेशन में अगर लेंदी केस स्टडी आ जाए आप पैनिक बटन मत दबाइएगा अपना। जितनी लेंदी केस स्टडी होगी उतना पढ़ने में समय जरूर ज्यादा लगेगा, अनडाउटेडली कोई डाउट ही नहीं इसमें, लेकिन वो उतनी सिंपल होगी। आप ये एनालाइज भी अपने लेवल पे कीजिएगा बेटा, जितनी बड़ी केस स्टडीज होती है ना, तो मेरा जनरली देखा गया है कि 50% स्टूडेंट उनको अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि इन केस स्टडीज में पेशेंस चाहिए होता है पढ़ने का, तो 50% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं और 50% जो स्टार्ट करते हैं वो बीच में गिव अप कर देते हैं। जबकि अगर आपने पूरी केस स्टडी बहुत पेशेंटली पढ़ा है तो यकीन मानिए पूरा सॉल्यूशन, लगभग पूरा सॉल्यूशन आपको इस केस स्टडी में मिल जाएगा। ये चीजें इस केस स्टडी में भी आप देखिएगा अप्लीकेबल होती है। बढ़ो आगे, चलो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर में अपने को कंपैरेटिवली समय ज्यादा लगेगा, तो एक स्पीड अप करते हैं ताकि ये केस स्टडी अपनी कंप्लीट हो पाए, प्लस अपन बीपीआर को लगभग पूरा 1 आवर दे पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ टॉपिक है अगर आप चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो। ASPL मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर वॉशिंग मशीन इन एन असेंबली लाइन। रीसेंट मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स इंडिकेट इरोशन ऑफ इट्स क्लाइंटल। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है वॉशिंग मशीन के लिए, अभी अभी मार्केट सर्वे से हमें पता लगा है कि जो हमारा क्लाइंटल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इरोड हो रहा है। फीडबैक टेकन फ्रॉम द कस्टमर सजेस्ट दैट कंपनी प्रोडक्ट वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। पता लगाया गया कि क्यों क्लाइंट हमसे दूर हो रहा है, क्यों हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है, तो पता लगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं है जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी इज कंसर्न्ड बिकॉज इट्स कॉम्पिटिटर हैव बीन एबल टू अचीव जीरो डिफेक्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ निल सेल्स रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटी एंड निल सब्सिक्वेंट वारंटी कॉस्ट। ये कंपनी के लिए बहुत सीरियस इश्यू है बेटा। देखिए अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है, क्वालिटी प्रॉब्लम पूरे इंडस्ट्री में है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कस्टमर कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। उसे पता है ये कंपनी में भी ये इश्यू आता है, मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट होऊंगा तो वहां पे भी वही इश्यू आएगा, तो कस्टमर कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का परसेप्शन है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट नहीं है, जबकि मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर है, वर्ड देखिए आप यहां पे क्या बोला है, वो आज की तारीख में जीरो डिफेक्ट परफॉर्मेंस अचीव कर चुके हैं, प्लस उनकी वारंटी कॉस्ट निल है, और यही आज की तारीख में कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। वारंटी उसको चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि कभी भी उसका जो भी डिवाइस है, जो भी इक्विपमेंट है, वो कभी भी रिपेयरिंग सेंटर पे जाए। तो हमारे लिए बहुत बहुत यहां पे सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे हैं जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर दे पा रहा है। Therefore, the competitor enjoy huge customer loyalty. मतलब repeatedly वहाँ पे purchase हो रही है competitor के पास. To satisfy its customer, the company wants to improve its product quality. तो हमें market में बने रहने के लिए company ने मन बना लिया है कि हमें product quality improve करना पड़ेगा. Consequently, it has decided to undertake Six Sigma study of its operation. जस्ट पिछले क्वेश्चन में बोला था बेटा 30% क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट को आइडेंटिफाई हमें करना पड़ता है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देता, तो वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको बता दिया ये सिक्स सिग्मा का क्वेश्चन है।
बिलो इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ईयरली फेल हमारी 25,000 है, हर यूनिट हम 20,000 रुपी में फोल्ड आउट करते हैं। 1% फेल फॉर रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इश्यू, 1% बोले तो 250 यूनिट्स। ये रिटर्न होती है किसके कारण? क्वालिटी इश्यू के कारण। दिस आर स्क्रैप्ड एंड अ रिप्लेसमेंट इज मेड बाय द कंपनी, मतलब जो यूनिट रिटर्न आई उसकी कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं है, और जो यूनिट रिटर्न आई उसके बदले हमें कस्टमर को नई यूनिट देना पड़ता है। इन एडिशन ईच प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी फॉर 1 year आफ्टर सेल, इफ अ क्लेम इज एक्सेप्टेड अंडर वारंटी, सर्विस एंड रिप्लेसमेंट पार्ट्स इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल चीज है। करेंटली ईयरली वारंटी क्लेम दिस आर सेपरेट फ्रॉम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न तब करता है बंदा जब प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो, जबकि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो रिपेयरिंग वारंटी में कवर्ड होती है। तो ये बोल रहा है वारंटी क्लेम उसके अलावा है जो ऊपर रिटर्न होता है, और उसका आज का खर्चा हमारा 30 lakh रुपी पर एनम। कभी भी ध्यान दीजिएगा बेटा, एनालिसिस कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, एब्सोल्यूट मतलब रुपी टर्म में, हमेशा आपको उसको परसेंटेज टर्म रिलेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहिए, तब जाके आप एनालिसिस प्रॉपर कर पाएंगे। तो इस 30 lakh रुपी को हम कन्वर्ट करेंगे कि भाई जो भी हमारा सेल्स टर्नओवर है उसका कितना परसेंट हमारी वारंटी कॉस्ट अकाउंट फॉर होती है। क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट द असेंबली लाइन। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आज की तारीख में अप्रेजल कॉस्ट, मैं बोल सकता हूं बेटा यहां पे क्वालिटी कंट्रोल चेक एंड इंस्पेक्शन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, लास्ट लेक्चर, कि ये है हमारा अप्रेजल कॉस्ट, इज कैरिड आउट एट द असेंबली लाइन। देयर इज नो क्वालिटी चेक डन एट एनी अदर पॉइंट इन द एंटायर वर्क फ्लो। सिर्फ हमारा इंस्पेक्शन प्रोसेस हम असेंबली लाइन पे ही करते हैं। टोटल टाइम स्पेंट ऑन इंस्पेक्शन इज 2,000 hours, विच कॉस्ट द कंपनी ₹10 lakh पर एनम। क्या फायदा होता है? इंस्पेक्शन लीड्स टू 10% रिजेक्शन, दैट इज यूनिट में बता दिया 2525। कोई बता सकता है बेटा अगर ये 2525 ना दिया होता तो फिर हम 10% से कैसे ये डेटा पे पहुंचते 2525। मैं देता हूं आपको 20 seconds, आप मुझे रिवर्ट मत कीजिए बेटा, एक बार अपने लेवल पर आप कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं पे टफ होता है। तो मैं चाहता हूं अपन बिल्कुल एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करें तो ही आगे बढ़े। अगर ये 2525 का अमाउंट नहीं दिया होता तो फिर आप अपने लेवल पे इसको कैसे निकालते हैं? बोलो बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए 25,000 यूनिट्स तो आप सेल के लिए बना रहे हैं, प्लस 250 यूनिट्स आपको रिप्लेस करना है, तो टोटल आपको कितनी यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किया 25,250, उसका 10% 25,250 का 10% हुआ 2525। तो कभी अमाउंट नहीं दिया रहता तो हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं। दिस यूनिट रिक्वायर ओनली 1 cycle ऑफ रीवर्क आफ्टर विच दे आर रेडी फॉर सेल। तो मतलब जो भी डिफेक्टिव पाया जाता है वो बिल्कुल रिपेयरेबल होता है, तो हम वो रिपेयर उसको कर सकते हैं 1 cycle में। रेट ऑफ रीवर्क इन द यूनिट्स rejected on inspection at the assembly line is 5 units in work hour. Rate of rework दिया है, मतलब जो units आपकी defective पाई गई, 1 hour में हम 5 defective unit को rectify कर सकते हैं। बोले तो divided by 5 कीजिए आप, कितने hours आए? 2525 units को अगर मुझे repair करना है, हर 1 hour में मैं 5 units repair कर सकता हूं, तो 2525 units के लिए मुझे कितने hours चाहिए? 505 hours चाहिए। बड़ू बेटा कॉस्ट ऑफ रीवर्क कितनी है? 6250। तो 505 रीवर्क आवर, आवर्स नहीं रीवर्क आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 6250 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी हो सकता है बेटा, 6250 से आप ये निकाल लीजिए कि एक यूनिट को रीवर्क करने में कितना खर्चा आता है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2525। बढ़ू आगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज 12,500। फिर मैं आपको 10 to 20 seconds देता हूं, सोचिए अपने लेवल पर कि ये 12,500 अभी तक अपन ने जितना पढ़ा ये कहां काम आएगा। आराम से बेटा, ना जल्दी नहीं है, समय है आपके पास 10 to 20 seconds, बहुत इनफ टाइम है इसको सोचने के लिए कि 12,500 कहां पे काम आएगा जितना अभी तक पढ़ा उसमें। बोलो बेटा, ये काम आएगा जब ये डिफेक्टिव आपको रिटर्न होता है, तो ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है, बाद में इसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं है, तो जब आप एक्सटर्नल फेल्यूअर का
अमाउंट निकालोगे तो आपको पता लगेगा जो यूनिट हमें रिटर्न हुई उन यूनिट के ऊपर हमने 12,500 रुपी इनकर्ड किया था, वो अब हमारा टोटल कंप्लीट लॉस है क्योंकि हमारे को कोई भी उसकी रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। बढ़ू आगे। सिक्स सिग्मा टीम एज पार्ट ऑफ इट्स स्टडी फाउंड दैट रीवर्क ऑन प्रोडक्ट वॉज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो सिक्स सिग्मा टीम है उन्होंने पता लगाया कि जो रीवर्क होता है प्रोडक्ट में उसके पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन है असेंबली लाइन वर्कर, अभी बस इसी तरीके से पढ़ते बेटा अपन। सेकेंड रीजन है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और थर्ड रीजन है मशीन्स आर आउटडेटेड। ठीक है, तो ये हमारे रीजन बताया उन्होंने कि रीवर्क क्यों होता है। पहला रीजन है असेंबली लाइन वर्कर में न्यू वर्कर है जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई जिसके कारण कहीं ना कहीं उनसे गलतियां होती है। सेकंड रीजन है जो रॉ मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी आ जाता है जिसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड, मशीन हमारी आउटडेटेड है। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप टीपीएम नहीं लगा सकते, टीपीएम कोई आउटडेटेड मशीनरी के लिए नहीं लगता है, मशीनरी की लाइफ है और वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हम टीपीएम लगाएंगे। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही एंटायरली डिफरेंट है, मशीन टोटली आउटडेटेड है, मतलब आज की तारीख के हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते। फिर इसका प्रपोज सॉल्यूशन दिया गया कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन सिचुएशन का। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी कि जो हमारे वर्कर थे उसमें न्यू रिक्रूटमेंट भी था तो उनको ट्रेनिंग नहीं दिया था। तो पूरा पैरा आपको बताता है कि हमें वर्कर को ट्रेनिंग देना है, टोटल ट्रेनिंग हमें 5000 आवर्स की देना पड़ेगा, हर ट्रेनिंग के आवर के हमें 1000 रुपी लगेंगे, मतलब आई थिंक ये 50 लाख या 5 करोड़ रुपी जो भी आएगा वो ट्रेनिंग का खर्चा हमारा यहाँ पे हो रहा है। फिर जो पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है उसके लिए हमने क्या किया, हम अब इंस्पेक्शन यहां पे कहीं दिया है आपको इंस्पेक्शन, अब हम स्टेज पर रॉ मटेरियल जैसे ही हमारे फैक्ट्री में आएगा हम इंस्पेक्शन करेंगे, जो मटेरियल हमारे क्वालिटी के अकॉर्डिंगली पाया जाएगा उसी को हम अपने प्रोडक्शन स्टेज तक ले जाएंगे, जिसके कारण रॉ मटेरियल के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कारण जो प्रॉब्लम आती थी फिर वो नहीं आएगी। तो 1.5 करोड़ रुपी आपके यहां पर रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन पर खर्चा होंगे। सर इंस्पेक्शन तो हम पहले भी करते थे, जी हां पहले करते थे इंस्पेक्शन, लेकिन वो इंस्पेक्शन कब करते थे देखिए बेटा यहां पे क्लियर कट बोला है, असेंबली लाइन पर किया जाता था, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद। जबकि ये जो अभी सजेशन आया है रॉ मटेरियल की पुअर क्वालिटी को टेकअप करने का, ये आया है कि आप रॉ मटेरियल जब आपको रिसीव होता है उसी स्टेज पर आप रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट कर लीजिए, ताकि जो कंसेप्ट होता है गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल ना हो। फिर थर्ड, जो मशीन आउटडेटेड है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, जो 3.6 करोड़ रुपए की आएगी लेकिन इसकी लाइफ जो रहेगी वो 3 इयर्स रहेगी। तो पर ईयर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आप देखेंगे तो 1.2 CR है। अब ये जो तीनों सॉल्यूशन आपने किया इससे क्या फायदा होगा, आज की तारीख में जो 10% आपकी यूनिट रीवर्क होती थी अब वो रीवर्क एलिमिनेट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न जो 1% आता था वो 0% हो जाएगा, और सिक्स सिग्मा का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डिफेक्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, आपको डिफेक्ट को एलिमिनेट करना है। फिर जो वारंटी क्लेम थे 30 लाख रुपए के वो ये निल हो जाएंगे। फिर जो आपका इंस्पेक्शन होता था असेंबली लाइन का वो 2000 आवर से 1200 आवर्स हो जाएगा, और जो आपको 10 लाख रुपी कॉस्ट आती थी वो सिर्फ आएगी 6 लाख रुपी की कॉस्ट आना है। तो जैसे ही हम ये तीन सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे रेक्टिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब चूंकि कंपनी की बेटर रेपुटेशन आ जाएगी क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, तो जितनी यूनिट हम बेच पाते थे 25,000 यूनिट अब उसके मुकाबले हम 5,000 यूनिट और भी बेच पाएंगे, मतलब अब हम टोटल 30,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एट द कंपनी, एज पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन टीम यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट प्रपोजल सजेस्टेड बाय द सिक्स सिग्मा टीम, और कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है वो भी हमें बता दिया, डीमैक कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है यहां पे। ठीक है बेटा, चल तो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको 2 मिनट्स में अभी आपको देता हूं, आप अपने लेवल पे डिसाइड कीजिए डीमैक का फुल फॉर्म, डी फॉर डिफाइन, साथ में बोलिएगा बेटा बहुत जरूरी है, मन में नहीं बोलिए आप, बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप अपने लेवल पे सुनते हैं वो ज्यादा दिनों तक फिर आप रिटेन कर पाते हैं। डी फॉर डिफाइन, डिफाइन में 3 चीजें हम बताएंगे, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट गोल और कस्टमर रिक्वायरमेंट। एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, एनालाइज में हम
रूट कॉज बताएंगे, एंड फिर आपका नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट, जो भी रूट कॉज है उनके सॉल्यूशन, वो कहलाएगा हमारा इंप्रूवमेंट। और कंट्रोल तो जनरली बेटा थ्योरेटिकल जाएगा कि जो भी आपका इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस है और फ्यूचर का परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करना। तो मैं 2 मिनट आपको देता हूं, एक बार आप अपने लेवल पर सोचिए 2 मिनट में कौन सा पैरा कहां से कहां तक डिफाइन आएगा, कहां से कहां तक मेजर आएगा, कहां से कहां तक आपका एनालिसिस आएगा। सभी चीजें आपको क्वेश्चन ने लाइन वाइज जमा के दिया है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है मुझे ब्रेक कहां पे लगाना है। स्टार्टिंग ढूंढ लीजिए और ब्रेक कहां पे लगाना है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाती है। 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको। चलिए बेटा स्टार्ट करो। तो पूरा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में ही दिया है, बस आपको उसको अपनी लैंग्वेज में प्लस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखकर मिक्स करके इसको देना है। देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहला उन्होंने बोला है डीमैक, तो डीमैक के टोटल 5 फेसेस आप बता दीजिए कि क्या क्या उसमें आता है। डी स्टैंड फॉर डिफाइन, पूरा ऐसा वो एक एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट में बताएंगे डिफाइन। डिफाइन में याद रखिएगा कभी भी 6 सिग्मा का क्वेश्चन आएगा आपको क्लियरली ये 3 चीजें वहां पे एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट गोल और आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो प्रोजेक्ट गोल है इसको आप मगअप कर सकते हो, रट सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एविडेंस लिखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉब्लम कि 6 सिग्मा आप अप्लाई क्यों करना चाहते हो। तो 6 सिग्मा हम अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिटी इश्यू के कारण। आप क्वालिटी इश्यू में लिखिए यहां पे कि हमारे कस्टमर से प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा प्रोडक्ट नॉट ऑफ गुड क्वालिटी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो 0 डिफेक्ट रिटर्न है उसका और 0 वारंटी क्लेम है। ये हमारे लिए ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मेरे लिए यहां पे प्रॉब्लम है क्वालिटी, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट गोल है ये बिल्कुल आप बेटा कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम रहेगा। ये आइडेंटिफाई करना कि आज हम कौन से सिग्मा लेवल पे है और फिर इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना ताकि हम 6 सिग्मा को अचीव कर पाए। अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल आप दे सकते हो, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द करंट सिग्मा लेवल एट विच द फर्म इज ऑपरेटिंग एंड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट सो दैट वी कैन अचीव द 6 सिग्मा ऑपरेशन। बढ़ूं आगे, फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। वो एक्सपेक्ट करता है निल सेल्स रिटर्न एंड निल वारंटी क्लेम। वो चाहता है कि एक बार जो आपने उसको प्रोडक्ट भेज दिया क्वालिटी वाइज भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड कभी भी वो इश्यू फेस ना करे। ठीक है, ये हो गया आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ था, जस्ट आपने उसको आइडेंटिफाई करके यहां पे लिख दिया। मेजर करेंट परफॉर्मेंस,
ना, इंडिकेटर टू फाइंड आउट व्हाट इज द सिग्मा लेवल ऑफ करंट ऑपरेशन। ये मैंने आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं बेटा बार बार, वो तीनों कॉलम आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज आएगा इसके बाद आप अपने आप को बताएंगे कि आज की तारीख में हमारा कौन सा सिग्मा लेवल है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट गोल पे भी लिखा है कि आज की तारीख में हमारा सिग्मा लेवल क्या है, हमें ये एफर्टिंग करना, और कौन से स्टेज में करते हैं हम ये, मेजर स्टेज में करते हैं। तो देखिए, सेल्स रिटर्न को पहले आप रूपी टर्म्स में भी निकालेंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज किसका लेंगे, सेल्स टर्नओवर का। बहुत सिंपल है, 250 यूनिट रिटर्न होती है, हर यूनिट पर आपका 12,500 का लॉस है, तो जो भी अमाउंट आएगा फिर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज टर्म की, टोटल सेल्स टर्नओवर के रिस्पेक्ट में ये कितने परसेंट है। वारंटी में भी आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 30 लाख रुपी, सिंपली आपको इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करना है, फिर इन दोनों का टोटल लगा लीजिए परसेंटेज का, तो आपको पता लग जाएगा आज की तारीख में कंपनी का कौन सा सिग्मा लेवल ऑफ ऑपरेशन है। ये प्रोजेक्ट गोल भी था हमारा, ये पता लगाना कि आज की तारीख में कौन सा और फ्यूचर में कौन सा। फिर जब नेक्स्ट मैं बात करता हूं एनालाइज की, एनालाइज में हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जाएगा रूट कॉज, और इस क्वेश्चन में देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल लाइन वाइज दिया है, कहीं भी आपको रूट कॉज अपने मन से इमेजिन करके नहीं लिखना है, क्वेश्चन ने क्लियर कट आपको दिया हुआ है कि हमारे पास तीन रूट कॉज है। पहला असेंबली लाइन वर्कर, बस इतना सा आप याद रखेंगे, आराम से आप इसको क्वेश्चन की डिटेल लेकर 3 से 4 लाइन में एक्सटेंड कर दीजिए। प्रॉब्लम 2 है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड थर्ड रूट कॉज है आउटडेटेड मशीन। ठीक है, ये चीज बेटा आईसीआई ने एनालिस्ट स्टेज पे लिखा है, मैंने भी अपने स्ट्रक्चर में यहीं पे लिखा हूं, जबकि मेरे हिसाब से तो ये आपका आराम से जो आपका सेकंड स्टेप है मेजरमेंट का, वहां पे कवर होना चाहिए कि आज की तारीख में आप कितना इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हो, कितना रीवर्क कॉस्ट इनकर कर रहे हो। ठीक है, आईसीआई ने यहां पर दिया था एनालिसिस फेज में, इसलिए मैंने भी अपने स्ट्रक्चर में यहां पर लिखा हूं, जबकि मेरे हिसाब से तो मेजरमेंट स्टेज में जाना चाहिए, वहां पर आप मेजर कर रहे हो कि आज की तारीख में आपकी क्वालिटी कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर इंप्रूवमेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको बिल्कुल लाइन वाइज कि प्रॉब्लम वन क्या थी, असेंबली लाइन वर्कर, तो उन्होंने बताया हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, 5,000 आवर्स की ट्रेनिंग देंगे, 5,000 हर एक आवर के हमें 1,000 रुपी की कॉस्ट आएगी, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रॉब्लम 2 सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल का भी सॉल्यूशन क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि अब हम रॉ मटेरियल रिसिप्ट की स्टेज पर चेक कर लेंगे कि रॉ मटेरियल हमारे क्वालिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं, इसका अमाउंट भी आपको दिया हुआ है। प्रॉब्लम 3 थी आउटडेटेड मशीन को अब हमने रिप्लेस कर दिया न्यू मशीन से, उसका भी अमाउंट आपको दिया हुआ है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पे आता है कि अब आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट। आप बताएंगे कि हम सिक्स सिग्मा के पहले कौन कौन सी कॉस्ट इनकर कर रहे थे, बिफोर और आफ्टर, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको बताएगा कि क्या सिक्स सिग्मा हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है क्या। वापस से बोलता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आता है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेल्यूअर, एक्सटर्नल फेल्यूअर। तो आप ये पहले बताएंगे सिक्स सिग्मा मतलब करंट परफॉर्मेंस में, प्रिवेंशन पे तो आप कोई खर्चा कर ही नहीं रहे हो, अप्रेजल पे जरूर कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, फिर जो रिजेक्शन होता है इनाउ उस पर जो रीवर्क कॉस्ट आती है उस पर वो आपको बताना है इंटरनल फेल्यूअर, और कस्टमर से जो रिटर्न आ रहा है इंक्लूडिंग द वारंटी क्लेम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस ऑन दो 5,000 यूनिट जो हमें एकदम लास्ट में दिया है वो यहां पर आएगा। फिर आप आफ्टर में बताइए पूरा उन्होंने दिया है कि अब हम प्रिवेंशन में ट्रेनिंग देंगे वर्कर को, इंस्पेक्शन कॉस्ट कंपेरेटिवली हमारी बढ़ जाएगी, इंटरनल फेल्यूअर यहां पे जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल फेल्यूअर जीरो हो जाएगा, और नेट बेनिफिट कंसिडरिंग दैट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, उसके बाद आप बताएंगे कि हमारी कंपनी को कितना फायदा हो रहा है सिक्स सिग्मा से। ठीक है बेटा, और लास्ट में कंट्रोल में तो सिंपली लिखना है मेंटेनिंग द इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। कोई डाउट हो तो बेटा मैं वेट करता हूं आपका, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उस पॉइंट को मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए कितना लेंदी, एक बार अगर आपके पास स्टडी मटेरियल थर्ड है तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखिएगा, प्रिंटेड सॉल्यूशन नहीं तो भी मेरे पास 5 to 7 pages में गया हुआ है, लेकिन अगर अपन ऐसे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे और इसी को बाद में रिवाइज करेंगे तो न सिर्फ अपना मल्टीपल टाइम रिव्यूजन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला हूं आज ही, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये चीज सीखोगे कि क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है। जब तक ये चीज आप नहीं सीख पाएंगे, जब भी नया क्वेश्चन आएगा
फिर आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे कि यार मुझे करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सिर्फ समझना नहीं है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमें समझना है कि हमें आंसर किस प्रकार से लिखना है, क्या चीजें लिखना है, क्या चीजें कहां पे लिखना है, कब हमें सिग्मा लेवल बताना है, कब हमें फिर न्यूमरिकल पैटर्न पे जाना है, ये पूरी चीजें आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए आपका कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपका वेट करता हूं। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हमने कंसिडर किया है बेटा, आप चाहे तो उसको दो तरीके से कंसिडर कर सकते हो, या तो आप बिफोर जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बना रहे हो उसको आप एक कॉस्ट के रूप में कंसिडर कर लीजिए, या जब आप आफ्टर सीओ की आफ्टर सिक्स सिग्मा बना रहे हो सीओ की स्टेटमेंट तो आप उसको इनकम के रूप में बता दीजिए। तो आपके पास चॉइस है, कभी भी ये मत जाइए कि आईसीए ने इस स्टेटमेंट में कंसिडर क्यों नहीं किया। आप फाइनली देखिएगा जो फाइनल आंसर है उसमें डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस जो है उसको कंसिडर किया गया है, मतलब वो एक बेनिफिट के रूप में आएगा मेरे अगर मैं सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करता हूं तो। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपका, ना कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़ो बेटा आगे, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स सिग्मा के, जो आपके वॉल्यूम वन में दिया हुआ है, कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, डर्बी ग्रे का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन आईसीए ने अपनी वेबसाइट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के रूप में रखा था, फिर जब जनवरी 2019 में मॉड्यूल रिवाइज हुआ तो उसी मॉड्यूल में फिर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 3.31 मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है बेटा, यहां पे अपन इसको अपना समय नहीं देते हैं, अपन अपना समय बचाते हैं फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज बीपीआर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। तो इसका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं, आप इसका एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए बेटा स्क्रीन से तो आपको बहुत ईजी जाएगा इसको बाद में डील करना। ये सबसे पहला फेस आपका डिफाइन फेस, जो हमेशा तीन चीजें इसमें अपन इंक्लूड करेंगे, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट गोल और कस्टमर रिक्वायरमेंट। फिर मेजर वाला पार्ट यहां पे बहुत छोटा है क्योंकि कोई भी न्यूमरिकल डिटेल इस क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल नहीं है, और हमने यहां पे बताया है कि आपने हमें डेटा ही नहीं दिया तो हमें पता ही नहीं लगा पा रहे कि आज की तारीख में हमारा परफॉर्मेंस कौन से सिग्मा लेवल पे क्लासिफाई होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन तो कहीं भी न्यूमरिकल डिटेल नहीं है। फिर एनालाइज रूट कॉज आपको बताना है, और ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट आपको एविडेंस उसको लिख देना है। इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टडी मेट में पढ़िएगा इसको, कि आपको ये पूरे पॉइंट को एनालाइज करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज कस्टमर वाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्टिव की डेफिनेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम यूर परस्पेक्टिव बट फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव, कि वो क्वालिटी को क्या मानता है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर है, अलग अलग ब्रांड है, सबके कस्टमर अलग अलग क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं। तो आपको इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि टॉलरेंस लेवल कहां पे खत्म हो जाता है कस्टमर का, उसके बियॉन्ड अगर कंप्लेन आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर एक सीरियस इश्यू जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट बेटा इंप्रूवमेंट कुछ भी अपने मन से यहां पे देना था और मैंने पूरा इंप्रूवमेंट इसी के आधार पे दिया, जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो जो मेरे रूट कॉज है उसी को मैंने फिर यहां पे इंप्रूवमेंट में सजेस्ट किया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसमें ये इंप्रूवमेंट कर दीजिए, तो फिर डेफिनेटली आपके रूट कॉज यहां पे रिसॉल्व हो जाएंगे। और कंट्रोल में तो हमेशा वही दो लाइन लिखना आपको, मेंटेनिंग द इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का, बीपीआर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। मेरे हिसाब से भी मैं भी मानता हूं कि इस चैप्टर की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टेक्निकल और केस स्टडीज में सबसे ज्यादा उलझाने वाला यही टॉपिक होता है, लेकिन वो तब तक जब तक अपने को क्लैरिटी ना आए बीपीआर में। एक बार बीपीआर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, एक बार उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली इसको डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा लेकिन इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही अपन पढ़ेंगे, क्या ठीक है टफ है, थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगेगी रिपीटेशन में, लेकिन एक बार अगर अपन ने इसको समझ लिया तो फिर अपने लिए बहुत ईजी जाएगा। तो एक काम करें बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मुझे फ्रेश माइंड चाहिए, तो आप 2 से 3 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं बीपीआर को। पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा व्हाट इज बीपीआर, और उसके बाद इसके जो 7 रूल्स है उनको भी अपने को एक शॉर्ट में रिविजन लेना पड़ेगा, तब जाके फिर अपन इसकी जो 2 केस स्टडीज है उसको अपन डील कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 मिनट का आप एक बार ब्रेक ले लीजिए, टाइम ऑफ ले लीजिए, फिर अपन मिलते हैं बीपीआर के साथ।
चलिए बेटा स्टार्ट करूं। तो अब आते हैं अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बीपीआर में, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। जब भी इनोवेशन की बात होती है तो दो या तीन कंसेप्ट आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए। सबसे पहला केजन कॉस्टिंग। जब भी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट की बात होगी, स्मॉल इंप्रूवमेंट की बात होगी, तो वो केजन कॉस्टिंग के द्वारा डील होगा। लेकिन जब भी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट चाहिए, बड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो केजन कॉस्टिंग का काम नहीं है, वो मेरे बीपीआर का काम है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आएगा। केजन कॉस्टिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि माइनर इंप्रूवमेंट आएगा ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, जबकि बीपीआर जो टेक्निक है ये ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देगा। यह कोई रेगुलर बेसिस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, यह वन ऑफ एक्सरसाइज होती है इन अ थ्री ईयर फाइव ईयर, जब भी हमें हमारी आज की एग्जिस्टिंग प्रोसेस आउटडेटेड हो जाती है, हमें इंप्रूवमेंट लाना है टू द ट्यून ऑफ 15% 20% 30%, इतना इंप्रूवमेंट अगर हमें अपने बिजनेस प्रोसेस में चाहिए तो ये आएगा। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये बिल्कुल आपको लिखना भी है बेटा, आपके लिखना भी है मतलब एग्जामिनेशन में, मैं आपको बताऊंगा आपके स्टडी मटेरियल में भी या केस स्टडी में इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? अ बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड सो दैट दे कैन अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो आप यहां पे कोई एक डिपार्टमेंट को इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, आप कोई एक प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, आप आपके बिजनेस की एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, सबसे पहले डेफिनेशन के पहले ये जो कंसेप्ट दिया था, ये दिया था माइकल हैमर ने, अपने एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, जिनका टाइटल था री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट। ये इसी वर्ड पे आते बेटा, पांचों वर्ड आपको मगअप करना है, ये वाले री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट। क्या मतलब है इसका, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, अगर आप पढ़ते हैं लेमेन की भाषा में तो ऐसा लगता है डोंट ऑटोमेट मतलब ऑटोमेशन नहीं करना है, मतलब कंप्यूटराइजेशन नहीं करना है, मतलब माइकल हैमर ने मना किया है कंप्यूटराइजेशन करने, जबकि ऐसा नहीं है। ये बोलता है कि सिर्फ आपने अपनी बिजनेस प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर दिया बिना कोई थॉट प्रोसेस के, कि नहीं यार अब हमें कंप्यूटराइजेशन में जाना है। जैसे पहले आप बिल बनाते थे मैनुअल, अब आपने बिलिंग स्टार्ट कर दिया कंप्यूटराइजेशन के थ्रू, अब आप कंप्यूटर प्रिंटआउट के वाला बिल देते हो कस्टमर को, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला दिया, आपने बीपीआर अचीव कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइजेशन कर देना, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को ऑटोमेटिक कर देना ही बीपीआर नहीं है। तो ये क्लियर रखना बेटा, सिर्फ कंप्यूटराइजेशन, सिर्फ ऑटोमेशन बीपीआर नहीं है, लेकिन एक कहीं मनाही नहीं है बीपीआर में कि आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, आप कंप्यूटराइजेशन नहीं कर सकते, ये मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कर देना बीपीआर नहीं कहलाएगा। आगे वर्ड बोला है लास्ट वर्ड ऑब्लिटरेट, मतलब आपको एक थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा कि अगर आप ऑटोमेशन में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, उसके पीछे रीजन, उसके साथ दूसरी चीजों को भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ इंप्रूवमेंट इन अदर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस विल अमाउंट टू बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन है ये फिर मैं आपको बोलूंगा, एज इट इज डेफिनेशन आपको इसको मगअप करना है, क्योंकि बहुत एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं अभी एक एक वर्ड पर बनाएंगे, रेडिकल रीडिफाइन, किसका ध्यान रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोडक्ट का आप यहां पे बीपीआर नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस का बीपीआर कर रहे हो, तो जो भी आपका पूरी लैंग्वेज जाएगी बीपीआर में वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं जाएगी, सर्विस ओरिएंटेड नहीं जाएगी, डिपार्टमेंट ओरिएंटेड नहीं जाएगी, वो बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेड जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन गलती है, अगर इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो कहीं ना कहीं अपने आंसर में फिर वो प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट अगर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर मशीनरी आ जाएगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस की हम रीइंजीनियरिंग कर रहे हैं। टू
अचीव इंप्रूवमेंट इन ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल कंटेम्पररी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट क्वालिटी सर्विस एंड स्पीड। अब मैंने बोल तो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो बच्चों ने मान भी लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। क्यों मैं बोलता हूं आपको कुछ डेफिनेशन को, आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, वजन इन्हीं डेफिनेशन से पड़ेगा बेटा। बाकी देखिए आप 20-30% आपको बिल्कुल इस टाइप की डेफिनेशन लिखना है, बाकी 60-70-80% आप फ्री हो अपनी लैंग्वेज लिखने के लिए, लेकिन कुछ आपको ये लैंग्वेज मगअप करके रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी एग्जाम कॉपी में। सबसे पहले बोला है फंडामेंटल रीथिंकिंग, एक होता है रीथिंकिंग, एक होता है फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग का कांसेप्ट है, ये बोलता है आप अपने आप से दो सवाल पूछो। ये पहला सवाल मत पूछो कि इस प्रोसेस में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, ना, पहले ये पूछो व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। आई रिपीट, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम ये बिजनेस प्रोसेस परफॉर्म ही क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल आप ये पूछो। हो सकता है ये बिजनेस प्रोसेस पहले 10 साल पहले 20 साल पहले रिक्वायर था, लेकिन आज की तारीख में इसकी कोई जरूरत नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये सवाल पूछो फंडामेंटल रीथिंकिंग में, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर आपको जवाब मिलेगा नहीं नहीं ये आज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो फिर फंडामेंटल रीथिंकिंग बोलता है। फिर आप दूसरा सवाल पूछो, हम इसी को इसी प्रकार से क्यों कर रहे हो, देन व्हाई वी डू इन द सेम वे वी आर डूइंग नाउ। क्यों ना अगर ये प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज भी, तो इस प्रोसेस को उसी तरीके से हम क्यों कर रहे हैं जो आज से हमने 10 years, 20 years बिफोर डिफाइन किया था, क्यों ना इसमें हम चेंज लाए। तो देखिए दो क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ने दिया है व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू एंड व्हाई डू वी डू इट द वे वी डू इट। पहला सवाल पूछे हम ये बिजनेस प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, अगर आपको जवाब मिलता है कि बिजनेस प्रोसेस हमारे लिए आज भी रेलिवेंस रखता है, तो फिर सवाल पूछे हम इसको इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। इसलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीथिंकिंग नहीं है, फंडामेंटल रीथिंकिंग है, और फंडामेंटल थिंकिंग भी नहीं बोलेंगे बेटा, रीथिंकिंग बोलने का मतलब है आप अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस पे इंप्रूवमेंट ला रहे हो। आप एक एक वर्ड को गौर कर पा रहे हो, आपने फंडामेंटल वर्ड ध्यान रख लिया लेकिन रीथिंकिंग पे फोकस ना करके फंडामेंटल थिंकिंग लिख दिया, तो वो डिनोट करता है कि हम एक नई बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ना हम अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस में बीपीआर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो रीवर्ड जरूर आएगा, चाहे थिंकिंग के आगे हो चाहे डिजाइन के आगे हो, रीवर्ड इंडिकेट करता है आप अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो। फिर रीडिजाइन नहीं है, रीडिजाइन के पहले वर्ड है रेडिकल रीडिजाइन। रेडिकल रीडिजाइन इंडिकेट करता है कि जब आप इसको वापस से डिजाइन करोगे, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास अगर ये प्रोसेस होती ही नहीं, इमेजिन कीजिए होती ही नहीं, तो फिर आप इस प्रोसेस को कैसे फॉर्म करते, इसमें क्या क्या फंक्शन आप करते, वो सोच आपकी कहलाएगी रीडिजाइन नहीं, रेडिकल रीडिजाइन। दूसरे शब्दों में राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम जीरो, हमें इस प्रोसेस को वापस से रीडिजाइन करना है। फिर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट के बारे में बोला गया छोटे मोटे इंप्रूवमेंट अगर आते हैं से 5% 10% के, ये इंप्रूवमेंट को कभी भी बीपीआर की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इंप्रूवमेंट अगर आपके आते हैं 15-20-30% तो ही हमें बोलेंगे हमने ये बीपीआर इंप्लीमेंट किया है, नहीं तो ये स्मॉल माइनर इंप्रूवमेंट आपके केजन कॉस्टिंग में क्लासिफाई होंगे। फिर एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, मतलब चाहे आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हो, कोई एक प्रोसेस है जहां पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को आप कम करना चाहते हो कॉस्ट से रिलेटेड, तो काम आएगा। क्वालिटी से रिलेटेड अगर आप अपनी बिजनेस प्रोसेस चेंज करना चाहते हो, वहां पे अप्लाई करो। सर्विस स्पीड से रिलेटेड, मतलब कोई भी प्रोसेस, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोला है, मतलब हर एक बिजनेस प्रोसेस को आप बीपीआर टेक्निक के द्वारा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हो। बड़ू बेटा आगे चल। अब ये सेकेंड टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर, मतलब जिन जिन लोगों ने सक्सेसफुली बीपीआर को इंप्लीमेंट किया है, जिन जिन लोगों ने सक्सेसफुली बीपीआर को इंप्लीमेंट किया है, उन्होंने किस आधार पर, क्या नई सोच पर वो चीजें अचीव किया है, उनको हमें यहां पे बोल दिया गया बीपीआर।
मतलब ऐसा नहीं है कि सातों चीजें अगर आप लगाएंगे, सेवन प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर है, तभी जाके आप बीपीआर के रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने तरीके से ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट अचीव किया, तो उसका एक कलेक्शन हमें दे दिया कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला ही प्रिंसिपल जो है उसका, ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। जो बंदे ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है उसको सिर्फ एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना माना जाए, उसको पूरे आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी को वर्क करना है, हम ये बोल रहे हैं कि उस बंदे की जवाबदारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो आउटपुट कस्टमर को डिलीवर ना हो जाए या उसका बेनिफिट कंपनी को ना मिल जाए। फॉर एग्जांपल बेटा, आप और आपके दो तीन फ्रेंड एक ऑडिट में गए, आपने यहाँ पे ऑडिट किया, अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया, ठीक है। नॉर्मली आप मानते हो कि हमारा वर्क खत्म हो चुका है, जबकि बीपीआर का पहला प्रिंसिपल ये बोलता है ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट द टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप अपने बंदों को रिस्पॉन्सिबल मत मानेंगे, आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। जनरली अपने मानते हैं, अपने ऑडिट करके आ गए, रिपोर्ट दे दी अपने एम्प्लॉयर को, अपना काम खत्म। जबकि अगर बीपीआर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक टास्क के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरे आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब आपकी टीम ऑडिट पे गई, वहां पे ऑडिट करे, आप अपने ऑफिस में आए, आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करो, फिर उस रिपोर्टिंग में, फिर जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो आप अपने स्टाफ से, जो भी आपके पास स्टाफ है उससे आप पूरा उसको ड्राफ्ट कराओ, फिर वो ड्राफ्टिंग आप अपने एम्प्लॉयर के पास ले जाओ, उनसे डिस्कशन करो। जब फाइनली वो फाइनल ड्राफ्ट पर साइन कर देगा आपका चार्टर्ड, उस डॉक्यूमेंट को फिर आपको क्लाइंट को कोरियर करना है। आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको ये पूरे लूप में रहना है कि वो कोरियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लाइंट को ये ऑडिट रिपोर्ट मिली या नहीं मिली। जब क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन पर वो ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी तब बोला जाएगा कि हाँ आपका टास्क कंप्लीट हुआ है। तो पहला रूल है ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आउटकम्स नॉट द टास्क, मतलब जो भी चीज बंदा चालू कर रहा है उसके एंड तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, चाहे इस प्रोसेस में उसको दूसरों की भी हेल्प लेना पड़े उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, हैव दोज़ हू नीड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा, जब भी DTH या ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो। आज की तारीख में आप देखेंगे तो बेटा हर कंपनी DTH की खासकर कंपनी आपके अगर विजिट करती है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए तो 100 रुपीज से 200 रुपीज तक वो चार्ज करते हैं। तो उन्होंने क्या पैटर्न निकाला कि जब भी आप कंप्लेन करते हो कि यार नेटवर्क नहीं आ रहा है DTH में, तो वो फिर आपसे पूछते हैं सर कौन सा एरर कोड आ रहा है, फिर आपको कुछ चीजें बताते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए इससे आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। 90% चांस है कि वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है। तो यही बीपीआर का प्रिंसिपल है, जो उस चीज का बेनिफिट ले रहा है लेट देम परफॉर्म द प्रोसेस, उन्हीं को ये रिपेयरिंग एक्टिविटी दो, फिर आप गाइडेंस दो, और फिर अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली फिर सर्विसमैन आएगा और एक जो नॉमिनल चार्ज होता है वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा। तो पहला रूल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आउटकम, मतलब एक टास्क के लिए जवाबदार ना मान के पूरे आउटकम के लिए जवाबदार मानो। दूसरा रूल है जो उसके आउटपुट का बेनिफिट ले रहे हैं लेट देम परफॉर्म द प्रोसेस। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म एंड बिल्ड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप आज से 5 साल पहले मान के चलिए SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, क्या वो बंदे आपके घर पे आते थे, ऑफिस पे आते थे? पॉसिबल ही नहीं है। अपने को वहां पे जाना पड़ता था, अपन पूछते थे सर क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वो आधी फॉर्मेलिटीज अभी बताते थे, फिर जब आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेके उनके पास जाते थे फिर बोलते थे ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है। मतलब 2 से 3 बार एक कस्टमर को जाना पड़ता था तब जाके उसका अकाउंट 10-12 दिन बाद ओपन होता था। आज की तारीख में सिर्फ क्लिक ऑफ द बटन पे बहुत सारी बैंक है जो ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन कर देती है बेस्ड ऑन आधार कार्ड। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, अगर पहले मुझे लोन लेना होता था मैं SBI की ब्रांच पे जाता था, कई सारे 5-6 राउंड लगते थे तब जाके मेरा लोन अप्रूव या रिजेक्ट होता था। आज की तारीख में क्या होता है, अगर मुझे लोन चाहिए सिंपली मुझे उस बैंक की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर देना है, विद इन 12 to 24 आवर्स बंदा मेरे घर पे आता है, हाथ के हाथ वो एक टैब लेके आता है, पूरी डेटा एंट्री मेरे सामने करता है, प्लस प्लस वो ये नहीं बोलता
कि सर आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको 3-4 दिन बाद पता लगेगा, वो हाथियात आपके आईटीआर रिटर्न के आधार पे प्लस 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 आपका सिविल स्कोर जो उसके बाद ऑलरेडी है, इसको बोलेंगे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तुरंत आपको बता देता है आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आप कितने अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल है। तो यही पॉइंट बोल रहा है, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म। ऐसा ना हो कि वो बंदा सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, प्रोसेस कोई और करे, डिसीजन लोन का डिसबर्समेंट का कोई और ले। अब वो टाइप की दुनिया खत्म हो चुकी है। जो बंदा लोन को प्रोसेस कर रहा है उसको आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एम्पावर किया है कि वो आपको खुद बता देगा आपको लोन कितने समय में मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या ईएमआई होगा। यही पॉइंट बता रहा है बीपीआर का, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म एंड बिल्ड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस, है ना। और भी रूल है बेटा, वो आप एक बार अपने लेवल पे देखिएगा। फिर इसका एक एग्जांपल जरूर आप अपने लेवल पे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोर्ड मोटर कंपनी का। जो पायनियर है बीपीआर का वो फोर्ड मोटर कंपनी है। उन्होंने ये बिजनेस प्रोसेस जो है उनकी अकाउंट्स पेबल यहां पे लगाया, उन्होंने एक अकाउंट पेबल उनकी एक्टिविटी थी बिजनेस प्रोसेस वहां पे उन्होंने ये लगाया। और पहले जो उनके पास 500 एम्प्लॉइज होते थे अपने अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में, बीपीआर लगाने के बाद उसी एम्प्लॉइज उसी वर्क को उसी बिजनेस प्रोसेस को वो 100 एम्प्लॉइज में कन्वर्ट कर पाए। तो एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट उन्होंने अचीव किया है। ठीक है, चल अब आते हैं अपन, इसके दो केस स्टडीज है अपने पास बेटा। एक केस स्टडी आपको इसी मॉड्यूल में मिल जाएगी और दूसरी केस स्टडी आपको मिलेगी वॉल्यूम नंबर 3 में। केस स्टडी नंबर 8 पेज नंबर 3.42 में है। मैं चाहूंगा बेटा मैं समय देता हूं आपको, एक बार आप इस केस स्टडी को पढ़िए, फिर मैं आपसे पूछता हूं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या क्रिएट हुई जब आपने इसको इनिशियल 1 से 2 मिनट पढ़ा। तो मैं आपको समय देता हूं बेटा 2 से 3 मिनट, आप पढ़िए एक बार इस केस स्टडी को अपने लेवल पर, फिर मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। 2 से 3 मिनट है आपके पास। चलिए बेटा पढ़ा आपने, तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। अगर इस केस स्टडी को 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हुआ बेटा तो मुझे एज अ स्टूडेंट मेरे अपने ऊपर डाउट है कि मैं इसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो जो दोनों केस स्टडी अपन बीपीआर की पढ़ेंगे कम से कम आपके इसके 3 रिवीजन हो जाने चाहिए बेटा, तब जाके बहुत कंफर्टेबल फील कर पाओगे अगर इस टाइप की केस स्टडी आपको एग्जामिनेशन में पूछता है तो, या सिमिलर केस स्टडी आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है तो। तो क्या पढ़ा आपने, मेरे क्लाइंट का नाम है ANI, एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। जब भी इस केस स्टडी को पढ़ता हूं मुझे SBI की याद आती है यहां पे, क्योंकि लगभग जो प्रॉब्लम है वो SBI से रिलेटेड है। तो ANI एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, 2500 ब्रांचेस है इसके पास पूरे इंडिया में, सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज में है।
इतने जोनल ऑफिस है और गवर्नमेंट बैंक होने के कारण डेफिनेटली ट्रस्ट इन्हीं के ऊपर रहता है। जब अनडाउटेडली बेटा आज भी देखेंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो कोई भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बैंक होने के कारण लिखा है ये पहला प्रेफरेंस होता है कस्टमर का जब भी वो बैंक को चूज करता है। लेकिन पिछले 6 सालों से बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने फॉरेन बैंक को भी लाइसेंस दिया है कि आप इंडिया में ऑपरेट करें। ये फॉरेन बैंक कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो आज हम सोच भी नहीं पा रहे, जैसे अपॉइंटमेंट बैंकिंग। ये सब चीजें आज की तारीख में प्रिवेलेंट है बेटा, आपने सुना होगा सब टर्मोलॉजी। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सालों से चल रहा है, फिर फ्री अनलिमिटेड एटीएम एक्सेस, कोऑर्डिनेशन होता है, ये सभी चीजें दे रहा है। जबकि हमारी कंपनी बोल रहा है वेरी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम देती है और कवरिंग इंटरनल हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। हर बार कस्टमर को जो भी ट्रांजैक्शन करना है उसको हमारी बैंक में आना पड़ता है, चाहे वो इंक्वायरी हो, बैलेंस इंक्वायरी, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, चाहे वो कैश विड्रॉल, हर एक ट्रांजेक्शन हमारे ब्रांच पे आके करना पड़ता है। जबकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, एक 2 साल नहीं हुआ, पिछले 6 सालों से वो अपॉइंटमेंट बैंकिंग दे रहे हैं। व्हाट इज अपॉइंटमेंट बैंकिंग? मतलब आप बैंक में जाओ तो आपको वेट ना करना पड़े, पहले से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो अपॉइंटमेंट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं कि छोटे मोटे काम के लिए आपको बैंक में नहीं आना है। एटीएम सर्विस दे रहे हैं ताकि आपको विड्रॉल के लिए एटीएम सर्विस बैंक में क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। ये पहला इशू। दूसरा है, हमारे कस्टमर ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो एम्प्लॉयज के द्वारा टाइम लिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। हमारी जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होती है या जो प्रोसीजर होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि डिस्कस करना क्या क्या शॉर्टफॉल है हमारी आज की करंट सर्विसेज में और उसको हम री इंजीनियर कैसे कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव रिसेंटली हेल्ड मीटिंग टू डिस्कस द शॉर्टफॉल इन द करंट सर्विसेज। तो आपको ये भी कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा बेटा क्या शॉर्टफॉल है आज की तारीख में हमारी बिजनेस प्रोसेस में जिसको हम बीपीआर के द्वारा इंप्रूव करना चाहते हैं। एडवाइस हाउ बीपीआर कैन बी यूज टू इंप्रूव करेंट प्रोसेस। करेंट प्रोसेस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, फिर करेंट प्रोसेस में आपको ये बताना है क्या क्या इश्यू है, फिर आप बीपीआर से रिलेटेड बताएंगे कि कैसे ये इसको कर पाएगा। बहुत अच्छी केस स्टडी है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम आती तो मेरे हिसाब से ब्लैंक केस स्टडी है। मतलब क्या करना है ये समझ में नहीं आता, टू बी वेरी फ्रेंक। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि नहीं बेटा बहुत सिंपल केस स्टडी आपको आनी चाहिए, अच्छा खासा लेवल है इस केस स्टडी का। पहली बार आते हैं, बच्चा पहली बार पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज होता है। तो ये बस हमेशा ये पॉजिटिव रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट के पहले करके जा रहे हो। तो अगर ये क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसकी शुरुआत कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सबसे पहले इस टाइप की जब भी नॉन न्यूमरिकल केस स्टडी आएगी सबसे पहला पॉइंट हम बता देंगे बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देंगे। क्योंकि जो बीपीआर है ये प्रोडक्ट पे नहीं लगता, ये सर्विस पे नहीं लगता है, ये एक डिपार्टमेंट पे नहीं लग रहा है, एक मशीनरी पे नहीं लग रहा है, एक बिजनेस प्रोसेस पर लग रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से 3 लाइन में ये डिफाइन कर देंगे व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस अलोंग विद एग्जांपल, आपको स्टडी मैट में दिया हुआ बेटा है ना। फिर सेकंड हम बीपीआर की डेफिनेशन बताएंगे। कौन सी डेफिनेशन? वही फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल दैट कंटेम्पररी एरिया ऑफ कॉस्ट सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा। फिर बीपीआर का आप ऑब्जेक्टिव बता देंगे। बीपीआर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि भैया कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला पाए ताकि जो हमारा वेस्ट है वो थोड़ा मोड़ा रिड्यूस ना हो, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। अब यहां पे आप एक और चीज बताएंगे, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज नहीं, प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस प्रोसेस। अब आप बोलेंगे हमारी बैंक में बहुत सारी बिजनेस प्रोसेसेस है, उनमें कई सारी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज में हमारी कुछ वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी, कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कहीं भी ये बीपीआर टैकल नहीं करेगा कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को टैकल नहीं करेगा, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को तो सीधा एलिमिनेट करेगा। ये बोलेगा कि जो हमारी आज की वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको हम कैसे अब ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाए। आई रिपीट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को तो कंप्लीटली आपको एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग अदर टेक्निक। वैल्यू एडेड जो एक्टिविटीज है जो कस्टमर को बेनिफिट देती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया या अकाउंट ओपनिंग सिंप्लीफिकेशन हो गया,
कस्टमर जो स्टाफ है वो ट्रेन्ड है, तो उसका जो नॉलेज है वो कस्टमर को बेनिफिट कर रहा है। ये जो जो वैल्यू एडेड आपके पास एक्टिविटीज है, इनको आपको रीकंफिगर करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा यूजिंग द हेल्प ऑफ बीपीआर। फिर हम इश्यू बताएंगे कि क्वेश्चन ने बोला है क्या क्या आज के हमारे करेंट इश्यू है। सबसे पहला इश्यू है पिछले 6 सालों से हम कॉम्पीट कर रहे हैं फॉरेन बैंक के साथ, और जो फॉरेन बैंक है वो डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमने उन फॉरेन बैंक को मैच नहीं किया, तो इसके बावजूद कि हम कस्टमर के फर्स्ट प्रेफरेंस होते थे, वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम कस्टमर के लास्ट प्रेफरेंस होंगे। तो पहला, मार्केट में कोई नई चीज आई है तो डेफिनेटली आपको भी उससे मैच करना पड़ेगा। सेकेंड, ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने लिखा है लास्ट करीबन आप 6-7 लाइन पढ़ेंगे तो बेटा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें पूरी अपनी अकाउंट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, एक बार एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हम पता लगा पाए हम इसको सिंपल कैसे कर पाए। और एक काम आपको जरूर करिए, क्योंकि आप फॉरेन बैंक के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, आप अपनी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को ऑनलाइन कर दीजिए। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, डिटेल सभी कस्टमर फिलअप करता है, और जो डिटेल मैच नहीं करती है डेफिनेटली वहां पे एरर शो हो जाता है। जैसे आज की तारीख में अगर आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपके पास आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपके पास अटैच है अगर वो दूसरा मोबाइल नंबर लिखते तो वो आगे प्रोसेस ही नहीं करता है। ठीक है, आपने प्रॉपर मोबाइल नंबर दिया, प्रॉपर आधार कार्ड नंबर दिया, आगे वो प्रोसेस करेगा। फिर आपको पैन कार्ड पूछता है, पैन कार्ड अगर आपने मिसमैच किया तो वो बता देगा आधार कार्ड के बाद जो लिंकिंग है कि आपका पैन कार्ड कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, एड्रेस वहां पे आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो कस्टमर को भी आज की तारीख में फिलअप नहीं करना पड़ता, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के द्वारा सभी चीजें फिलअप हो जाती है। प्लस कस्टमर को यहाँ पे जो सर्विस मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो ज्यादा बेटर मिलता है। उसको ब्रांच भी विजिट करने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन ही वैलिडेट हो जाता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है बेस्ड ऑन आधार, हमने वेरीफाई कर लिया है, ओटीपी के द्वारा बैंक वेरीफाई कर लेती है, और वहीं पे आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। विद इन 2 or 3 days आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग चेकबुक, ट्रांजेक्शन आईडी और पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सभी चीजें आपके पास आ जाती है। फिर लास्ट में आप बोलेंगे जो भी बीपीआर में आप खर्चा करोगे, दैट इज नॉट अ कॉस्ट, इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो बहुत अच्छी केस स्टडी है बेटा, बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। जब तक 2 से 3 बार नहीं निकालो, कहीं ना कहीं इस केस स्टडी को डील करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास 50 odd केस स्टडीज है आपके स्टडी मटेरियल में, हर केस स्टडी इस टाइप की नहीं है। 80, 85, 90% केस स्टडी 100% अचीवेबल है। 10% केस स्टडीज के कारण कभी भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। इन 10% में ये वाली केस स्टडी और जो अगली केस स्टडी अपन करेंगे डेफिनेटली वो आती है। तो 10% ही है, 90% तो अचीवेबल है ना बेटा। तो आप 90% पर ज्यादा फोकस कीजिए, और 10% पर आप अपने रिविजन को अगर बढ़ा देंगे ना, अगर वो 90% केस स्टडी आप 2 से 3 बार पढ़ रहे, तो एक काम कीजिए, 10% केस स्टडीज पर आपका फोकस 3 से 4 बार होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा फिर बिल्कुल आप कर पाएंगे। जो भी चीजें आपको टफ लगती है उससे दूर मत भागिए, उसमें आप अपने एफर्ट बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली वो चीजें फिर आपको थोड़े समय बाद इजी लगेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन वन ऑफ द वेरी गुड केस स्टडी ऑन द आईसीआई पब्लिकेशन। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। समय भी इसमें कंपेटिटिव, अपने को पूरा लगभग हाफ एन आवर लग जाना चाहिए, तो मैं आपको समय देता हूं पहले इसमें, नहीं तो भी मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूं, आप आराम से पढ़िए बेटा, कहीं भी इन 5 मिनट में आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, है ना। ये रिविजन लेक्चर आपके लिए प्लान किया गया है, अगर आपने इन 5 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं फिर जो रिमेनिंग 25 मिनट्स में जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बार बार फिर आपको डाउट आएगा बेटा, है ना। तो रिक्वेस्ट है पूरे 5 मिनट आप यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छी केस स्टडीज है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट 25 मिनट्स। तो 5 मिनट है आपके पास बेटा, एक केस स्टडी, एक केस स्टडी अगर आपके पास मॉड्यूल है तो 3.50 में दिया, पीडीएफ है तो वेल इंक्लूड है आपके पास, है ना। 5 मिनट है आपके पास पूरे।
चलिए बेटा स्टार्ट करूं। पढ़ लिया आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं अगर आपको पहले क्रक्स बता दूं, तीन रिक्वायरमेंट पार्ट है, तीनों रिक्वायरमेंट पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन टेस्ट करता है कि कितना माइन्यूटली आपने पूरे क्वेश्चन को रीड आउट किया है। जहां भी आपने इन टाइप के क्वेश्चन में जल्दबाजी किया तो ये क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि जो भी तीनों रिक्वायरमेंट पार्ट है उसमें इमेजिनेशन लेवल लगभग निल है, ऑलमोस्ट निल है। पूरा एप्लीकेशन क्वेश्चन है। जो भी चीज आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पार्ट है उसका मेजरली 90-95% चीजें क्वेश्चन में दिया है, तो ये जरूर चेक करेगा आपकी एप्लीकेशन एबिलिटी, आपकी रीडिंग और पेशेंस एबिलिटी कि कितना माइन्यूटली आपने एक एक चीजें पढ़ा। तो साथ में पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक बार आपने पढ़ लिया एक बार मेरे साथ पढ़ लेते, फिर अपन इसका रिक्वायरमेंट पार्ट का स्ट्रक्चर डील करते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर हिस्ट्री बता रहा है। हमारी कंपनी का नाम है ANI। किस कंट्री में ऑपरेट करते हैं हम? कंट्री आई में ऑपरेट करते हैं। कौन से बिजनेस में हम? फुटवेयर बिजनेस में है। क्या कोई नई कंपनी है हम? नहीं, पिछले 3 decade से हम इस बिजनेस में हैं। फिर इसी पैरा में आपको दिया हुआ है कि हम सभी काइंड्स ऑफ फुटवेयर बनाते हैं, और इसी पैरा की लास्ट लाइन में दिया है हमारी कंपनी हाई एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करती है वर्कर के टूवर्ड्स, सप्लायर के टूवर्ड्स, एनवायरमेंट के टूवर्ड्स, और हम वॉलेंट्रीली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिपोर्ट होती है CSR, वो हम वॉलेंट्री पब्लिश करते हैं। फिर अब ये बता रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इंडस्ट्री के बारे में बताएगा, फुटवेयर इंडस्ट्री। तो ये इस पैरा में हमें बताया गया है कि हमारे आज कन्वेंशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट है जो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं एक्सेल शीट बेस पर, लेकिन वो नॉन रिलायबल है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है जिससे हमें प्लानिंग और रिपोर्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो आज की तारीख में जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो पूरा 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 बैकवर्ड है और नॉन रिलायबल है। वो खुद बोल रहा है कि हम उस एक्सेल शीट बेस्ड पेमेंट पर रिलाय नहीं कर सकते फॉर अवर प्लानिंग और रिपोर्ट, जिसके कारण ना तो हम रिपोर्ट जनरेट कर पाते एक्यूरेटली, ना ही टाइमली रिपोर्ट दे पाते हैं। इसलिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस और डिलीवरी टारगेट को अचीव करने में हमेशा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की तारीख में कंपनी के पास जो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है वो बहुत बहुत पुअर है। फिर आप पूरे इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है कि हमारा जो फुटवेयर मार्केट है ये कॉम्पिटेटिव है और सीजनल है। हमारे कस्टमर वो कस्टमर नहीं है जो हमारे फुटवेयर वियर करेंगे, हमारा कस्टमर है रिटेलर, और रिटेलर हमसे 2 चीजें डिमांड करता है। पहला, रिटेलर चाहता है कि हम उसको लो कॉस्ट पर, लो अमाउंट पर, लो सेल प्राइस पर हम उसको गुड्स ट्रांसफर करें ताकि वो अपने कस्टमर को लो प्राइस पर दे पाए। सेकंड, वो हमसे चाहता है कि आप हमारा जो डिलीवरी टारगेट है रिगार्डिंग द लीड टाइम, लीड टाइम मतलब जब उसने ऑर्डर दिया और जब हमने उसको ऑर्डर फाइनली डिलीवर कर दिया, लीड टाइम का मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऑर्डर मिला और जब आपने वो ऑर्डर सामने वाले को डिलीवर कर दिया, इस टाइम गैप को बोला जाता है लीड टाइम, इसको आप रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हो। तो हमारा कस्टमर जो रिटेलर है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने डिलीवरी टारगेट को फुलफिल करें, ना सिर्फ समय पर उसको डिलीवर करें बल्कि एक रीजनेबल टाइम पर हम वो अपना डिलीवरी टारगेट रखें, साथ में हम अपना परफॉर्मेंस मैट करें क्वालिटी के टूवर्ड्स। तो 3 चीजें हमारा कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। पहला, वो चाहता है कि हम उसको लो सेल प्राइस पर कोट करें ताकि वो अपने कस्टमर को लो प्राइस दे पाए। सेकंड, वो हमसे चाहता है लीड टाइम पर कि एक रीजनेबल लीड टाइम हो, और जो आपने फिर हमें कमिट किया है उसी टाइम पर आपको हमें वो डिलीवर करना पड़ेगा। और थर्ड, वो चाहता है कि जो क्वालिटी आप और हम में जो डिसाइड हो चुकी है वही क्वालिटी का परफॉर्मेंस आपको हमें देना है। फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया, एक बहुत बहुत यहां पे यूनिक पॉइंट दिया है। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने रिटेलर डिमांड मतलब अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर दिया। किन्होंने? हमारे कॉम्पिटिटर ने, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और पूरा आउटसोर्स कर दिया, ताकि जो पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का, रिटेलर का, कि उसको लो प्राइस मिले ताकि हम उसको लो कॉस्ट पर दे पाइए, हमने नहीं किया बेटा, हमारे कॉम्पिटिटर ने किया है कि उन्होंने पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया। एक और चीज किया कॉम्पिटिटर ने, चूंकि
लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है सप्लायर के मटेरियल को, तो कॉम्पिटिटिव ने क्या किया, एक प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट किया ताकि जब भी शिपिंग कंटेनर जो 40 फुट का है जब भी वो आए तो फुल्ली लोडेड आए, क्योंकि अगर वो फुल्ली लोडेड आएगा तो पर पेयर ऑफ फुटवेयर आपकी शिपिंग कॉस्ट फिर कम आएगी। ये भी हमारे कॉम्पिटिटर ने कर लिया। इसके अलावा हमारा कॉम्पिटिटर ने परचेज इनवॉइस को भी ऑटोमेट कर दिया है। मतलब आज हम अभी भी कंट्री आई में ही अपने लिए सोच रहे हैं, जो है यहाँ पे कंट्री आई है बोल रहा है रिटेलर का ANA का, और हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से बहुत आगे जा चुका है। उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर दिया ताकि कस्टमर को लोअर कॉस्ट दे पाए, फिर पूरा शिपिंग कंटेनर फुल्ली लोडेड हो, इसलिए उन्होंने सबने मिलकर एक कार्टल बना के एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर पर इन्वेस्ट किया, प्लस परचेज प्रोसेसिंग भी उनका ऑटोमेशन के द्वारा ही होता है। अब हमारे पास भी अब प्रेशर है कि हम भी कुछ FI करें, तो हमारे पास भी एक प्रपोजल है आउटसोर्सिंग का। चाइनीज सप्लायर है जो हमारी लोकेशन से 3750 किलोमीटर अवे, देखेंगे इसका क्या रोल है 3750 का। अब ये बता रहा है, कंपैरिजन दे रहा है, हमारी करेंसी है BND, याद रखिएगा बेटा ना, जो क्लाइंट है हमारा ANA, इसकी करेंसी है BND। अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो 625 BND पर आज हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो चाइनीज युआन 28 चाइनीज युआन हमें परचेस करना पड़ेगा, और एक चाइनीज युआन कितने में आएगा, 18 BND में आएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट कि आपका एक पेयर कितने रुपए में आपको पड़ेगा एज कंपेयर टू योर एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा हमें 40,000 BND की शिपिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, और एक बार में हम 5,000 पेयर को शिप कर सकते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी लैंडेड कॉस्ट आपके कंट्री में, अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग द शिपिंग कॉस्ट, वो कितनी आएगी। फिर ये बोल रहा है कस्टम टैरिफ आज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कस्टम टैरिफ इस पे बहुत जल्दी लगेगा। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, और ड्यूटी पर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10% का, मतलब 10% का 10% करेंगे तो आएगा 11% के आसपास आपकी ड्यूटी आएगी। ऑन द असेसेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सक्लूडिंग द शिपिंग कॉस्ट, मतलब 28 × 18 BND जब आप करेंगे तो ये असेसेबल वैल्यू पर आपको कस्टम ड्यूटी लग सकती है, अभी नहीं है। फिर इसलिए एक प्रपोजल है हमारे पास, देयरफॉर टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल रीस्ट्रक्चर कर दो अपने पूरे फंक्शनल डिपार्टमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में। जो पहला रूल था बेटा इसका, फोकस ऑन आउटकम रादर देन टास्क, मतलब एक बंदे को एक वर्क मत कराओ, उसको पूरे आउटकम के लिए जवाबदार मानो। तो वही रूल सबसे पहले यहां पे अप्लाई हो रहा है कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है आपके सेल्स मार्केटिंग, उनको पूरा रीस्ट्रक्चर कीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाइए जो अकेले बंदे पूरे फंक्शन को हैंडल कर पाए। ईच टीम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बायर अकाउंट मैनेजमेंट फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग टू प्रोक्योरमेंट टू अरेंजिंग शिपिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो जो पहला रूल है उसका यहां पे कहीं ना कहीं अप्लीकेशन होता है कि ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आउटकम्स नॉट द टास्क। फिर टीम मेंबर डीलिंग विद बायर विल वर्क इन ANA कॉर्पोरेट ऑफिस वाइल लाइक दोस लाइक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजिंग क्वालिटी एंड सप्लायर ऑडिट विल वर्क एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ चाइनीज सप्लायर। तो आपने जो अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करेंगे वो तो कंट्री आई में ही रहेंगे, लेकिन क्वालिटी चेक सप्लायर ऑडिट करने के लिए एक टीम आपकी चाइनीज सप्लायर के लोकेशन में भी रहेगी। टीम विल हैव ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस टू रिफ्लेक्ट द मार्केट कंडीशन और सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। ये रूल एक और रूल लगता है BPR का बेटा यहाँ पे कि पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म, मतलब उन्होंने उनको अथॉरिटी दे दिया कि आप अपने लेवल पर ये डिसीजन ले सकते हो। मेनी सपोर्ट स्टाफ विल वर्क एज हेल्पर रोल और बी ऑफर्ड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग। फिर एक एक्सपर्ट से आपने यहाँ पे एडवाइस लिया जिसका नाम है WD। ये बोल रहा है कि बिल्कुल जो भी आपकी प्रोसेस है इसमें इंडिकेशन है कि हम यहाँ पे BPR लगा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा उसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इन्वेंट्री एंड परचेविंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन का, और अलॉन्ग विथ आपको एथिकल एक्सपेक्ट भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा अपने प्रपोजल के। ये हमारे एक्सपर्ट के व्यू है, थोड़ा सा जल्दी लियो बेटा ये मान के कि आपने पूरे 5 मिनट वहां पे इन्वेस्ट किया है। अब सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट है एडवाइस ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम
विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द री इंजीनियरिंग. वापस पढ़िए आप इसको. बीपीआर के लिए आपको कैफा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, ये आपको एडवाइस करना है. मैं आपको समय देता हूं बेटा 30 सेकेंड से 1 मिनट तक. एक बार आप अपने लेवल पे सोचिए इससे रिलेटेड कौन से पैरा में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैंने बता दिया तो मजा नहीं आएगा, फिर कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन स्किल जो है वो डाउन होती है. तो मैं मौका देता हूं आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट का. एक बार आप अपने लेवल पे सोचिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, एक ही पैरा में हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बोला है, वो कहां है, आप पहचानिए उसको. मैं समय देता हूं आपको. एक पैरा नहीं, सॉरी, दो पैरा में आपको मिलेगा बेटा ये चीज है. बोलो बेटा, तो देखिए कहां पे दिया है आपको. देखिए ये तो एक तो लास्ट वाला पैरा है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बोला है कि जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा. फिर एक पैरा आपको आज की तारीख में दिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कैसा है, ये वाले पैरा की बात कर रहा हूं बेटा मैं. आज का आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक्सेल फीड बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो नॉन रिलायबल है, जिसके कारण कभी भी हम एक्यूरेट और टाइमली रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट को नहीं दे पाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे बता देंगे कि आज का हमारा करंट सिस्टम क्या है. करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा एक्सेल शीट बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, जो अनरिलायबल है, जो हमें टाइमली रिपोर्ट नहीं दे पाता, पहला ये. फिर हम बताएंगे हमें एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो शेयर डेटाबेस हो, जो टीम आपस में शेयर कर पाए, जिसमें रियल टाइम पे चीजें हम अपडेट कर पाए. ध्यान सुनिएगा, रियल टाइम पे चीजें हम अपडेट कर पाए, ताकि उसमें फाइनेंशियल डिटेल भी आए अलोंग विथ नॉन फाइनेंशियल डिटेल भी आए. और लास्ट में फिर आप लिखेंगे कि प्रोफेसर डब्ल्यू डी जो है यहां पे, उसके हिसाब से हमें हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहां कहां पे चेंज लाना पड़ेगा. तो देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने इसको रखता हूं. पहला जो पार्ट है, आप चाहो तो रूल्स ऑफ बीपीआर लिख सकते हो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. आईसीआई ने जो शुरुआत किया था इस क्वेश्चन की, वो रूल्स ऑफ बीपीआर दो खासकर रूल, पहला ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आउटकम्स नॉट द टास्क, और सेकंड उन्होंने लिखा है पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म. मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट पार्ट को देखते हुए रूल्स ऑफ बीपीआर यहां पे मैच नहीं करता है. अगर आप नहीं भी लिखे तो मेरे हिसाब से पेपर चेकर को पूरे नंबर देने चाहिए. और दे भी रहा है, इंस्टीट्यूट आजकल बहुत लिबरल है, बच्चे ने लॉजिकल आंसर दिया तो पूरे पूरे मार्क्स मिल भी रहे हैं. फिर ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि अब हम पैसा कहां से लाएंगे, अरेंज कहां से करेंगे फंड. तो एक काम करेंगे, जो हमारे आज की तारीख में फंक्शनल टीम है, सेल्स मार्केटिंग ये सब, इनको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना रहे हैं. मतलब आज की तारीख में एक फंक्शन एक डिपार्टमेंट करता था, वही टीम मल्टीपल फंक्शन करेगी. तो जो पैसे बचेंगे हम इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम में. फिर ये पॉइंट नया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फिर करंट सिस्टम जस्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस किया एक्सेल शीट के द्वारा, जबकि हम प्रपोज चाहते हैं एक ऐसा डेटाबेस हो जो आपस में इजीली एक्सेसिबल हो, रियल टाइम पे अपडेट होगा, क्योंकि अगर रियल टाइम पे अपडेट नहीं होगा तो फिर वो डेटाबेस कोई काम का नहीं है. और इसमें फाइनेंशियल डिटेल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डिटेल भी हम इंक्लूड करें. और लास्ट में हम इस पहली रिक्वायरमेंट पार्ट को एंड करेंगे, जो प्रोफेसर डब्ल्यू डी में इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो जो चीजें हमें यहां पे रिकमेंड किया है. ठीक है बेटा, चलिए ये पहला रिक्वायरमेंट पार्ट का स्ट्रक्चर हुआ. अब आते हैं अपन सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में. Assess the likely impact of engineering on the ANA high ethical standard and accordingly on business performance. वापस पढ़िए आप इस लाइन को. Assess the likely impact of engineering on ANA high ethical standard and accordingly on business performance. फिर समय देता हूं बेटा मैं आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट का. समय कम रहता है बेटा क्योंकि लाइव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समय का शॉर्टर रहता है, तो फिर टाइम आपको हो सकता है ज्यादा भी लगे इसमें. लेकिन कोशिश कीजिए 30 सेकेंड से 1 मिनट में आप वो मुझे पैरा आइडेंटिफाई करके दे पाओ जहां पे
इस सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट की चाबी है, की कहां पे है, फिर आपको अपने मन से उसमें बहुत सारे पॉइंट सोचना पड़ेगा। इसलिए मतलब 90% तो चीजें दिया हुआ था, लेकिन बचा हुआ 10% फिर आपको सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको मिल जानी चाहिए, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग है। नहीं समझ में आ रहा है, एक और बार ये रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लीजिए, उसमें कुछ की वर्ड है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन क्वेश्चन ने किया है, पहचानिए वो डिस्कशन कहां पे है, वही आपको स्टार्ट करेगा ये वाले क्वेश्चन को, है ना। समय दे रहा हूं बेटा मैं आपको। चलिए बोलो बेटा कहां दिया है इसका आंसर। देखिए फर्स्ट पैरा की अगर आप लास्ट लाइन में आते हैं तो वहां पे आपको इसकी स्टार्टिंग दे दिया। ये स्टार्टिंग नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आती बेटा। यहां पे दिया है कि जो हमारे हाई एथिकल स्टैंडर्ड है वो वर्कर, सप्लायर और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन तीनों पॉइंट पर हमें आंसर देना है कि अगर हम ये आउटसोर्सिंग वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे वर्कर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे सप्लायर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। स्टार्ट करो तो देखिए सबसे पहले वर्कर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। वर्कर जो है यहां पे आप मल्टी कुछ वर्कर्स को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाइनीज सप्लायर से लोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा। अब आपका चूंकि हाई एथिकल स्टैंडर्ड है तो लीगली तो आप वर्कर को निकाल सकते हो बेटा, लीगली तो आप वर्कर को निकाल सकते हो नोटिस पीरियड देके। लेकिन यहां पे लीगल इलीगल बात नहीं कर रहा है, एथिकल ग्राउंड पर बात कर रहा है। तो पहला इश्यू आएगा जो वर्कर्स को आप निकालोगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सेकेंड इसी के साथ अटैच है, वो बंदों को जो निकालोगे उनको वैसा काम दूसरी जगह मिलना भी नहीं है। क्यों नहीं मिलना है, क्योंकि दूसरे बंदों ने ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री बंद कर दिया है, तो एनालॉगस जो वर्क है वैसा उनको मिलेगा ही नहीं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक होता है कि आपने निकाल दिया, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी वहां पे जॉब कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जितने प्लेयर है सभी ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, तो ये पहला एथिकल इशू आएगा। दूसरा, जो बंदों को आप निकाल नहीं रहे हो उनको टीम में रखा है, तो कुछ बंदे उनमें से ऐसे रहेंगे जिनका रोल चेंज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं बेटा जिनको चेंज पसंद नहीं होता है अपने रोल में, तो वो उसका अपोज करेंगे, दे आर नॉट रेडी टू लर्न न्यू। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो आपके एथिकली सपोर्ट करेंगे आपको कि यस हमें न्यू लर्निंग मिल रही है, हमें आउट ऑफ अवर कंट्री जाके हम चाइनीज मैन्युफैक्चरर के वर्क कर रहे हैं तो हमारी लर्निंग बढ़ रही है। तो वर्कर में हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे देखिए स्ट्रक्चर में एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ेंगे सप्लायर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है वो टोटली अनएम्प्लॉयड हो जाएगा और उनको कोई भी एनालॉगस जॉब नहीं मिलेगा, मतलब सिमिलर जॉब नहीं मिलना है क्योंकि कॉम्पिटिटर ने भी अपनी फैक्ट्री बंद कर दिया है। फिर जो कंटिन्यूड स्टाफ होंगे उनमें दो टाइप के होंगे, जिनका रोल चेंज हुआ वो मोटिवेटेड होंगे और कुछ डीमोटिवेटेड होंगे, उनके बारे में आपको लिखना है। सप्लायर के बारे में आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि सप्लायर आप देखिए एथिकल क्या होता है, सप्लायर अगर इलीगल प्रैक्टिस यूज कर रहा है तो आप उसके लिए लीगली बाइंडिंग नहीं हो, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में है कि वो चाइल्ड प्रैक्टिस यूज कर रहा है, चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है सप्लायर, उसके बावजूद भी अगर आप उसका मटेरियल ले रहे हो तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहला पॉइंट आप सप्लायर में लिखेंगे कि भैया अभी हमारे को सप्लायर जो चाइनीज सप्लायर है उसका वर्किंग कल्चर अभी हमें पता नहीं है, है ना, वो क्या क्वालिटी देगा, वो चाइल्ड लेबर यूज करेगा नहीं करेगा, वो अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करेगा हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हमारे पास इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन है कि हमारी कुछ टीम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम
चाइनीज सप्लायर के पास जरूर जा रही है ताकि वहां पे वो क्वालिटी चेक और सप्लायर ऑडिट कर पाए। तो सप्लायर में हम लिखेंगे नॉन एक्सेप्टेबल वर्किंग प्रैक्टिस अगर उसकी होगी तो कहीं ना कहीं वर्क वो कर रहा है नॉन एक्सेप्टेबल, लेकिन हमारी इमेज फिर एथिकल इमेज खराब होगी जिससे हमारा कस्टमर हो सकता है हमसे डीरेल हो जाए और जो पॉसिबल हमारे फ्यूचर इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि अरे इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है क्योंकि ये जहां से मटेरियल लेते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन है हमारे पास कि हमारी जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है वहां पे जाके वो इंश्योर करेंगे ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि ये भी चेक करेंगे कि कहीं वो अनएथिकल प्रैक्टिस यूज तो नहीं कर रहे हैं। एनवायरमेंट में ये आएगा कि जो 3750 किलोमीटर आपको दिया था लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहां पे इश्यू आएगा कि जो शिपिंग में जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होगा उसका इंपैक्ट क्या होगा, वो हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सब थ्योरेटिकल लिख देंगे। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग बंद किया तो कहीं ना कहीं ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हुआ लेकिन चाइनीज सप्लायर का अब हमारे ऑर्डर को कंप्लीट करने में उसका जो पॉल्यूशन होगा उसका भी डेटा हमें नहीं दिया लेकिन डेटा अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली हमें इस लेवल पर भी इसको चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग दिया था बेटा लेकिन फिर चीजें आपको अपने लेवल पर करना था। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट के कंपैरिजन में सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग तो आपको मिल जाएगी लेकिन अंदर के कंटेंट फिर आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट में। आइए थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट क्या बोल रहा है, यह कंपैरेटिवली आसान है। Evaluate how BPR proposal can improve company's performance in relation to retail customer. हमारा BPR का जो proposal है वो कैसे हमारे performance को improve करेगा हमारे retail customer के लिए। फिर आपको 30 सेकेंड देता हूं बेटा, आप पहचानिए वो एरिया जहां पर इसकी शुरुआत दिया हुआ है। फिर बहुत सारे पैरा है लेकिन शुरुआत आप बताइए कहां पे दिया हुआ है। वापस एक बार आप थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से पैरा में इसकी स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है। बोलो बेटा कहां दिया है, देखिए ये पैरा है जो आपको स्टार्टिंग देगा कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रिटेल कस्टमर तीन एरिया पर चेक करेगा, सबसे पहला एरिया है लो कॉस्ट, दूसरा एरिया लीड टाइम मतलब ऑर्डर देने से और ऑर्डर रिसीव करने के बीच में कितना डिफरेंस है, थर्ड एरिया जो वो चेक करेगा क्वालिटी। तो इसकी शुरुआत आपको यहां पर मिली और आगे वाले पैरा फिर आपको यहां पे कैलकुलेशन भी दे रहे हैं। तो देखिए डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट पार्ट थर्ड है रिटेल कस्टमर हमसे तीन चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, लो कॉस्ट, लीड टाइम और क्वालिटी, है ना। सबसे पहले अपन लो कॉस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल न्यूमरिकली कैलकुलेट करेंगे। लो कॉस्ट में आप लिखेंगे आज की तारीख में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमें दिया हुआ है, आज की तारीख में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमें मेंशन है बीएनडी में। फ्यूचर में अगर हम आउटसोर्स करते तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, वो चाइनीज युआन आई थिंक 28 है मल्टीप्लाई बाय 18 आपको करना पड़ेगा, प्लस 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 शिपिंग कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, शिपिंग कॉस्ट जो 40,000 बीएनडी है डिवाइडेड बाय 5,000 पेयर करेंगे तो आपको शिपिंग कॉस्ट मिल जाएगी। तो एक कैलकुलेशन आप करेंगे विदाउट टैक्स, अभी आपने इसमें टैक्स नहीं जोड़ा, और एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अगर वो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है तो फिर कितना। और जब आप आईसीए का सजेस्टेड आंसर देखेंगे बेटा कहीं ना कहीं उन्होंने कस्टम ड्यूटी गलत कैलकुलेट किया है क्योंकि 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है उस पर 10% सरचार्ज है, तो 10% का 10% होगा 1%, तो 11% आपकी असेसेबल वैल्यू पर ड्यूटी लगनी चाहिए। इसको आप बीएनडी में भी एक्सप्रेस करेंगे प्लस परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जब आप आउटसोर्स करते हो विद और विदाउट टैक्स उन दोनों में कितना डिफरेंस है, न सिर्फ बीएनडी में बल्कि परसेंटेज वाइज भी। अ वेरी सिंपल पार्ट टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। फिर लीड टाइम, लीड टाइम मतलब ऑर्डर, कहीं भी हमें ये नहीं बताया बेटा कि आज की तारीख में आज करंट परफॉर्मेंस में हम कितने समय में अपना गुड्स डिलीवर कर पा रहे हैं अपने रिटेल कस्टमर, कहीं नहीं बोला है। लेकिन चाइनीज सप्लायर के लिए जरूर बोला है कि अगर हम उससे परचेज करेंगे तो सेवरल वीक्स लगेंगे, तो यहां पे कंपैरिजन हमें लिखना पड़ेगा। करंट स्टेटस हमें पता नहीं है लेकिन प्रपोज में सेवरल वीक्स लगेंगे, लेकिन इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं बोला है हमारा सीजनल बिजनेस है, तो अगर सेवरल वीक्स लग भी रहे हैं तो अगर हम समय से पहले ऑर्डर दे देंगे और अगर लीड टाइम सप्लायर का ज्यादा भी है तो भी हम टाइमली अपना पूरा स्टॉक कर पाएंगे, ताकि जब भी रिटेलर हमसे डिमांड करे तो हम उसको रियल टाइम पे वो गुड सप्लाई कर पाए, ठीक है। और लास्ट उसने वर्ड चेक किया था क्वालिटी, डिटेरियरेशन इन क्वालिटी होगा तो आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हो, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी क्वालिटी कॉस्ट क्या थी ओन फैक्ट्री में और लॉन्ग डिस्टेंस सप्लायर के साथ आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहेगी लगातार, जो चाइनीज सप्लायर पर चेक करेगा अपना, ठीक है बेटा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अनडाउटेडली आज का लेक्चर मैं खुद मानता हूं, मैंने आपको यस्टरडे भी बोला था कि थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहां पे आपका पार्टिसिपेशन कम था और मुझे चाचा चीजें यहां पे बोलना था, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था केस स्टडी के टूवर्ड। आज अपन ने टोटल 5 केस स्टडी कवर किया है। कल का लेक्चर रहेगा बेटा अपना चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, न्यूमेरिकल भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी है, कंपैरेटिवली आप चैप्टर नंबर 3 के मुकाबले देखेंगे तो सिंपल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अपन 6:30 को इवनिंग में बेटा, टिल देन ओके गुड नाइट, थैंक यू। नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, न्यूमेरिकल भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी है, कंपैरेटिवली आप चैप्टर नंबर 3 के मुकाबले देखेंगे तो सिंपल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अपन 6:30 को इवनिंग में बेटा, टिल देन ओके गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.